भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है, चरण कमल भीव नम श्री गुरुदेवाय नम। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नम। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभुवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नम। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञसुराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यदा विनमयो यत्र त्र सर्गो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनकिकविशं वैजयन्तीं च मालां वृन्धानवेणुवदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुभद्रमिणं प्राव सदगीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूरामणि।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् श्री राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तिरुदास जनम जनम मोहि दीजियो श्री चरणन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार अहो वृषवानु की लाडली ने कमेरी ओर निहार वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करो मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णम नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजाप्रियम कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रजाशुदम। उपस्थित सभी भक्त वृंद अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए हम और आप सभी प्रार्थना करेंगे, उपरांत में प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के उत्सव का आनंद हम और आप सभी लेंगे। जितनी तैयारी आप करते हो मुंबई वाले, उससे ज्यादा मुझे तैयारी करके आना पड़ता है यहाँ पर। और क्योंकि मुझे मालूम है आप इतने रसिक हैं, कुछ न कुछ नया आपको रसपान होता रहे, इसलिए अब मुझे ये लगने लगा है कि मुंबई वाले कथा सुनने नहीं आते, मुंबई वाले अपने ठाकुर के साथ अपने जीवन का उत्सव मनाने आते हैं। अभी सुबह मेरे को एक बच्चा मिला, कार्यकर्ता ही है, मेरे को बोला ठाकुर जी अपनी तो यही होली है और अपनी तो यही दिवाली है, हम पूरी लाइफ 7 दिन में ही जी लेते हैं। कहने को तो ये कितने कम शब्द हैं, लेकिन अगर इन शब्दों की कोई गहराई समझ ले तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही श्रद्धावान लोगों की श्रद्धा के ऊपर आज भी हमारा भारत टिका हुआ है, आज भी इसीलिए टिका हुआ है। और ये ऐसे श्रद्धावान लोग उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक हैं जो लोग कहते हैं कि आजकल धर्म करने से क्या फायदा, आजकल फिर रोटी खाने से क्या फायदा, आजकल पानी पीने से क्या फायदा, आजकल तो एक ही फायदा है, समुद्र है बगल में, जाके दर्शन करो। आइए हम लोग आगे बढ़ाएंगे उत्सव को, सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़े और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि विश्व में शांति की स्थापना हो। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी,
बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवंत सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई। की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईश। परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम, ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विदुष समाज, सभी ब्राह्मण समाज, साधु समाज, संत समाज, पधारे हुए जनता जनार्दन के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और जो भी आस्था चैनल के माध्यम से रसिक प्रेमी जन श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में उन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जो अभी तक मुंबई में देख रहे हैं वो, उनको नहीं है, उनको यहां आना पड़ेगा। आइए, मेरे प्यारे हो, बड़े ध्यान से श्रवण करें। दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव जीवन थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि इसके बारे में जब से सृष्टि बनी है, न जाने कितने करोड़ों लोगों ने इसके विषय में, इसके संदर्भ में हमको बताया कि सबसे मुश्किल इस जीवन में अगर तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए तो वो है मानव जीवन। और मानव जीवन प्राप्त होने के बाद अगर हम उसे गंवा दें तो यकीनन मानो कि हमसे बड़ा विश्वासघाती हमारे लिए कोई और नहीं, कोई हम ही है। हम ही सबसे बड़े शत्रु हैं अपने। भगवान थोड़ा सा इंसान बना देना, इंसान के पुतले में हमको शैतान बनने में देर नहीं लगती।
कई बार तो हमें लगता है कि हम इंसान कम शैतान ज्यादा है, वो घमंड, वो मद, बहुत चीजें हैं, लेकिन भागवत हमें सच्चा बोध कराती है। श्री कृष्ण की ये कथा ये साधारण कथा नहीं है, ये कथा हमें जीना सिखाती है, हमें समझाती है, हमें बताती है। क्या बताती है? आज सुधर जा, कल किसी ने नहीं देखा। सुधरना है आज, अभी इसी वक्त, अच्छाई के लिए कल पर नहीं आज पर निर्भर रहना चाहिए। तो बहुत प्यारा भजन है, आपके मतलब का है, आपको याद आएगा और कोई समझ जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हो क्यों इतना इतराए रे, क्यों इतना इठलाए रे, ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इठलाए रे, ओ माटी के पुतले। दोनों आ जा, इतने भी मॉडर्न नहीं हुए भी मुंबई वाले, ठीक है। हरी ये तो यही बड़ा
करता है मेरा मेरी जो करता है मेरा मेरी ये मकान मेरा है ये दुकान मेरी है ये बेटा मेरा और कहते हो क्या कहते हो ये बेटा ये बेटी मेरी है ये मकान मेरा है ये दुकान मेरी है तेरा तो तेरा शरीर भी नहीं है माय डियर ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों करता है उपाय है बड़ा सरल उपाय है मूरख तू हरी में चित धरे ले 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 बेड़ा पार जगत से करी ले बेड़ा पार जगत से कर तोए हाँ तोए हाँ तोए गुरु दे तोए ज्ञान बताई रे सरकार की सदगुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो विश्व में शांति हो ओ शांति 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 हमारा तरीका है कि जो ठाकुर जी से प्रेम करे और जो ठाकुर जी की कथा को दिल से श्रवण करे जो अपना मन का श्रवण करे उनके मध्य में
कथा कहना बहुत ही अच्छा है। और ये उत्सव के लिए आप लोग जो इतना इंतजार करते हैं एक साल का, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इंतजार के बाद ठाकुर जी की कथा श्रवण करने में पिबत भागवतम रसमालयम, ये वो रस है कि जितनी बार भी इसको पान किया जाए उतना ही आनंद प्रदान करने वाला ये रस है। जितनी बार भी, बहुत से नासमझ लोग ये लगता है उनको कि चलो एक बार कथा सुन ली, इनफ, बहुत है। लेकिन कोई आप जैसे लोगों से पूछे कि इनफ नहीं है, जब भागवत का सातवां दिन होता है तो दिल रोता है। क्यों रोता है? बोले आज से ये कथा हमारे श्रवणों में कल से नहीं पड़ेगी, तो ये होना चाहिए एवरीडे। जब बुराई रोज मेरे जीवन में है, हर एक पल मेरे जीवन में बुराई है, तो अच्छाई मात्र सात दिन क्यों? पग पग पे बुराई है, जिधर चला जाऊं उधर बुराई है। संसार बुराइयों से भरा हुआ है, नपा हुआ है, तुला हुआ है। उस बुराइयों से अगर हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय ही हमें बचा सकता है। ये भागवत ही हमें उस बुराई से बचा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अभी देख रहा था कल कलश यात्रा में आप लोग कितनी मस्ती से झूमते हुए आनंद के साथ हैं? मैं देख के चलाऊ थोड़ा आस्था, बड़ा झूम रहे थे, मैं नहीं था इसलिए। अच्छा खैर, आपकी बड़ी अच्छाई है, उनका वर्णन करेंगे तो आज का दिन उसी में निकल जाएगा। आइए भागवत का प्रथम श्लोक आप सभी उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम और आप सभी श्रीमद् भागवत का ये रसास्वादन प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वेश्वर सतचित आनंद घन सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको प्रणाम करके उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से प्रेरित होकर, उन्हीं की कृपा पर आधारित होकर हम यहां से श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, और आप उन्हीं की कृपा से प्रेरित होकर यहां पर कथा श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नैमिषारण्य में कथा का प्रारंभिक हुआ, सौनक आदि ऋषियों के मध्य में जन कल्याणार्थ। मैं कई बार बता चुका हूं इस दुनिया में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक अपने लिए जीते हैं और एक समाज के लिए जीते हैं। अपने लिए जो जीते हैं उन्हें लोग स्वार्थी कहते हैं, और जो समाज के लिए जीते हैं उन्हें लोग परमार्थी कहते हैं, जो धर्म के लिए जीते हैं उन्हें परमार्थी कहते हैं। श्रीमद् भागवत जैसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जो वेद व्यास महाराज ने इस समाज को दिया, जहां कण कण में एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में, भावार्थ में समझाया जाता है जीव को किस तरह से तुम ईश्वरमय हो सकते हो, तुम्हारा नेक्स्ट कदम जो नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा किस तरह से भगवतमय हो सकता है, भगवान की तरफ हो सकता है। हर एक स्टेप को समझाया गया भगवान की तरफ से इस भागवत में।
इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए खा कमा के मर जाते हैं, मरने के बाद उन्हें कोई पूछता नहीं, तुम कहां आए थे, क्यों आए थे और क्यों गए, कोई नहीं पूछता। लेकिन जो देश के लिए, जो धर्म के लिए, जो समाज सोसाइटी के लिए कुछ करके जाते हैं, उन्हें ये समाज कभी नहीं भूल पाता, कभी नहीं। वो हमेशा इस संसार में स्थापित रहते हैं, मौजूद रहते हैं। सनकादिक ऋषि, सोनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान है। एक ही चर्चा है, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा। अब ऋषि अपने कल्याण की बात करें, तपस्या करें, भजन करें, और कुछ कार्य करें, अपना कल्याण करा के प्रभु के पास जाएं, क्या मतलब है उन्हें हमारे बारे में सोचने का। इट मीन्स कलयुग के जीव मीन्स हम लोग और आप सभी, क्या जरूरत है उनको इस विषय में सोचने की। बोले हम संसार के जीव हैं, हम कलयुग के जीव हैं, हम पापिस्ट हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ज्यादा बहुत अच्छे दयालु हो तो अपने परिवार के लिए सोचते हैं, इससे बड़ा दिल हमारा नहीं है। लेकिन साधु संत महात्मा ज्ञानी परमात्मा के भक्त कृपा पात्र वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि इस जन का कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो। और जब वो सोचते हैं तो मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो समुद्र मंथन जब होगा तो अमृत निकलेगा। जब वहां पर 88,000 ऋषियों ने मंथन किया कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, तब उस समुद्र मंथन में, ऋषियों के विचारों रूपी समुद्र मंथन में श्रीमद् भागवत रूपी अमृत प्राप्त हो गया, जिसे पान कर करके कलयुग के समस्त जीव अपना बेड़ा पार करा रहे हैं, कल्याण हो रहा है उनका। अगर वो विचारों का मंथन न होता तो हमें और आपको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण न होता। जब वो मंथन होगा तब अच्छाई कुछ निकल के आएगी सामने। और ये अमृत है, एक ऐसा अमृत, वो अमृत तो अमर करता है लेकिन दुख फिर भी नहीं काटता। और ये अमृत एक ऐसा अमृत है जिसे पान करने के बाद जीव सबसे पहले निर्भय हो जाता है, उसे फिर किसी का डर नहीं रहता, फिर वो हमेशा के लिए भगवान का होकर कहता है, जब मैं भगवान का हो गया तो मुझे डर किस बात का, हमारे सांवरे सरकार हमें किस बात की चिंता, हम क्यों किसी की चिंता करें। बोलो राधे राधे। धीरे बोलना, ये काकरवाज पहला दिन है, बड़ा अच्छा है। हमारा जो रसोईया है ना, हमारा रसोईया जब भोजन बनाता है और कुछ गड़बड़ हो जाए ना तो वो कहता है पहला दिन है, कल से ठीक होगा। ऐसे ही जब आप धीरे बोलो ना कथा में आके, बोले महाराज जी आज पहला दिन है तो कल से सब ठीक हो जाएगा, है? ऐसे बोला करो। तुम्हारा भला, मैं भी ऐसी कथा कहूंगा पहला दिन है, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो क्या आनंद आ रहा है, ये मुंबई है। विचारों का मंथन क्या करें, तो उन्होंने कहा कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए एक सरल मार्ग है कि श्रीमद् भागवत कथा जो जीव 7 दिन श्रवण करे उसका कल्याण हो जाएगा, उसके बेड़ा पार को कोई नहीं रोक सकता। भा पहला शब्द है, अक्षर है भा, भागवत पहला ही शब्द कितना मर्मयुक्त है जिस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। भागवत पहला अक्षर क्या है, भा, भा से भक्त, वा से भक्ति, वा से भगवान, वा से भागवत। ये ग्रंथ क्या है, बोले भक्तों का विषय है। ये ग्रंथ क्या है, बोले भगवान का विषय है। ये भक्त क्या है, बोले ये ग्रंथ क्या है, बोले भक्ति का विषय है। बोले अंततोगत्व, बोले भगवत प्राप्ति होगा क्या इस ग्रंथ के बाद। बोले अगर इससे अटैचमेंट हो जाए, अगर जीव को इसकी आदत पड़ जाए, अगर जीव इसको मनक्रम वचन से समर्पित हो जाए तो नो डाउट
एक दिन वो परमात्मा से मतलब भगवान से प्राप्त होगा, भगवान को दर्शन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन कौन? जिसे लव हो जाए, प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए भागवत से। दो प्रकार के लोग हैं, एक जिन्हें सिर्फ मेरा ये संकल्प है ये पूरा हो जाए इसलिए कथा सुन रहा हूं, दूसरा उलमेष के बिना रह नहीं सकता इसलिए भागवत सुन रहा हूं। और यहां मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं जो ये प्रण किए बैठे हैं कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं, ये भागवत मेरा जीवन है, ये मेरा आनंद है। और इसीलिए मुंबई में पहले ही दिन से ऐसा लगता है कि आज सातवां दिन है, पहले ही दिन से वो आनंद की प्राप्ति होती है। ये कथाकार का विषय नहीं, कथा तो हम हर जगह करते हैं, कई जगह लोग ये भी कहते हैं आनंद नहीं आया, ये विषय आप लोगों का, सुनने वालों का विषय है। सुनने वाले इतने समर्पित होकर जब सुनते हैं तो फिर भागवत में रस की धारा बरसती है, अमृत बरसता। भक्ति कैसी? कई बार जीवों को भक्ति कैसे करनी चाहिए ये ऐसा पाठ नहीं है कि उसने ऐसे की है तो मुझे भी ऐसे करनी चाहिए। मीरा ने पति होते हुए भी कह दिया मेरे तो गिरधर को पाल दो, अब सब थोड़ी कह देंगे। मीरा ने कह दिया, उसका एक अपना अलग अंदाज था। गोपियों ने कह दिया हमारे कोई नहीं, ना पति ना पुत्र, ये गोपियां मीरा से भी आगे निकल गई, कुछ नहीं हमें, हमारा तो सिर्फ कृष्ण है। प्रहलाद ने अलग तरीके की भक्ति की, ध्रुव ने अलग तरीके की भक्ति की, सबने अलग अलग तरीके की भक्ति की, राइट? तो मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे कर सकता हूं, ये तो मुझे डिसाइड करना है। पर भक्ति नकल नहीं है, भक्ति असल है। और भक्ति किसी मर्यादा में नहीं बंधी हुई, कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं कि तुमको ये करना पड़े, जो तुम्हें आता है तुम वही करो। बस सिर्फ इस शब्द को जोड़ लो अपने जीवन में कि मैं उसका हूं और वो मेरा है। इसके बाद तू नहाने भी जाएगा तो भक्ति हो जाएगी, तू खाने भी जाएगा तो भक्ति हो जाएगी, कमाने भी जाएगा तो भी भक्ति हो जाएगी, कमाने भी जाएगा तो भक्ति हो जाएगी। ये छोटी बात तो नहीं। एक व्यापारी था, शहर में रहता था, और वो शहर का व्यापारी गांव में बिजनेस करने कभी कभी जाता था। तो एक दिन की बात कि वो जब गांव में गया तो पता चला कि एक महात्मा जी का प्रवचन है, और उसको लगा कि नहीं प्रवचन है तो हम जाएंगे, हमें सुनना चाहिए। तो वो शहर से स्पेशली प्रवचन सुनने आता था, दो तीन दिन का प्रवचन था। तो एक दिन जब वो आ रहा था जल्दी जल्दी प्रवचन सुनने, तो उसके पांव में जो चप्पल उसने पहनी थी उसकी वो बद्दी या क्या बोलते उसको वो उखड़ गई। अब वो बड़ा टेंशन में हो गया कि मेरे को कथा सुनने का टाइम हो रहा है, प्रवचन का टाइम हो रहा है, बीच में सुने अड़ंगाड़, ये पक्की बात है जब आप बच्चा करने जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, परीक्षा होगी तुम्हारी। तुम सोचो सीधे ही हमें मुंह उठा के पहुंच जाओगे, ये संभव नहीं है। यहां आने से पहले भी कई बार तुम्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कई तो घर वालों से लड़ के बैठी हैं, यहां राधे राधे बोलना पड़ेगा। घर वाले कहते तुझे नहीं जाना चाहिए, यहीं रह कर क्या करेगा भागवत सुन के। ये घर वाले बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे घर वाले, ना अच्छा करते और ना अच्छा करने देते, इतने अच्छे हैं घर वाले। लेकिन एक बात, जब भी भक्ति करने जाओ, अच्छा काम करने जाओ और अड़ंगा आ जाए, बीच में बाधा आ जाए तो रुकना मत। क्यों? क्योंकि मेरा ठाकुर जी ही तेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं देखूं तो सही। और उसके बाद भी अगर तुम चलते रहो तो यही तेरी पूर्ण सत्ता है, यही भक्त की स्वतंत्रता है, यही भक्त की आजादी है, भक्त की नहीं भक्ति की आजादी है। अब किस लिए रुके भाई, ये मानव जीवन बार बार थोड़ी ना मिलना है, अभी भी रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगी।
नहीं, सागर की लहरें कभी थमती नहीं है, इच्छाएं कभी हमारी पूरी होती नहीं है, इसलिए जोड़ दो अपने आप को जीवन के इस मोड़ पर मेरे कृष्ण से, तो मृत्यु तो होती रहेगी, ये रुकती नहीं है, मृत्यु थोड़ी रुकेगी। इसलिए जैसे सागर की लहरें नहीं रुकती हैं, वैसे तू भी स्वतंत्र हो जा और निकल सीधे। तो वो व्यक्ति निकले, अब उसको लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो मुश्किल हो गई। तो देखा एक मोची बैठा हुआ है, उसे कहा भैया तू जरा इसको ठीक कर दे। और उस मोची ने जल्दी से, वो समझ गया कि ये सेठ जी शहर से सिर्फ प्रवचन सुनने आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि जितनी देर सेठ जी को लगेगी उतना इन्हें का प्रवचन छूट जाएगा। तो उसने झट झट करके उसको जल्दी से सेट किया और कहा लो सेठ जी पहन के जाओ। सेठ जी ने कुछ रुपया निकाला, लो भाई ये पकड़ो तुम जाओ, अब ये पैसा रखो, तुमने काम किया है। तो वो चप्पल ठीक करने वाला बोला सेठ जी ये पैसा मैं नहीं ले सकता, पूरा ध्यान दीजिएगा सेठ जी मैं ये पैसा तुमसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते, तुमने काम किया है, तुम्हें तो तुम्हें काम का पैसा दे रहा। बोले नहीं तो भी नहीं लूंगा। क्यों, बोले आप कथा सुनने जा रहे हो तो इसमें क्या बात है, ये तो तुम्हारा काम है। बोले हाँ ये मेरा काम है मुझे मालूम है, लेकिन सेठ जी एक बात बताऊं, मैं गरीब हूं, रोज कमाता हूं रोज खाता हूं, और कभी कभी तो इतना भी नहीं आ पाता कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, इसलिए मैं रोज कमाने के लिए अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये काम करता हूं। गरीब हूं इसलिए जा नहीं सकता कथा में, क्यों, क्योंकि काम नहीं छोड़ सकता, काम छोड़ूंगा तो फिर मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो मैं नहीं जा सकता हूं, लेकिन जब आप शहर से गांव कथा सुनने आ रहे हैं, प्रवचन सुनने आ रहे हैं, तो आज मुझे आपकी जो सेवा मिली है, तो जानते हो आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरी कथा सुन ली, मैंने पूरा प्रवचन सुन लिया। आज अच्छा लग रहा है, हम जा नहीं सकते तो आपकी सेवा कर दी, यही बहुत है। सेठ जी आंखों से अश्रु बहाते हुए निकल गए, उनको लगा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं शहर से यहां कथा सुनने आता हूं, मैं बड़ा भक्त हूं कि एक गांव में ही बैठकर मोची का काम करता है ये बड़ा भक्त है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये कैसे कंफर्म होगा। यहां पर भी कई बदकिस्मत लोग ऐसे होंगे आसपास में, फ्री बैठे एसी चला के खामा खाम बिजली का बिल बना रहे, लेकिन नहीं आ सकते यहां कथा पंडाल में। जानते हो क्यों, क्योंकि सारे अच्छे कर्म जुड़े नहीं अभी उसके, संचित नहीं हुए हैं। और जब तक ठाकुर जी पूर्ण कृपा न करे तब तक पूर्ण भागवत श्रवण करने का अधिकारी वो बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। और आप सब जो आए हुए हैं, देखे मैं हर साल कहता हूं नई बात क्यों, तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये सच है कि आपको हमारी किशोरी जी ने उंगली पकड़ रखी है आपकी, और वो पकड़ के लाई है कि चल तेरा सत्कर्म करा देते हैं। पिछली बार मेरे को बता रहे थे, जब पिछली बार कथा हो रही थी तो यहाँ कुछ ऑटो वाले हैं, उन्होंने भी पैसा नहीं लिया था एक दो सवारियों को उतारने का। ये ऐसे लोग भी हैं समाज में, इस देश में, जो भगवान की भक्ति करने वालों की पूर्ण सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं अपने ही कर्म के द्वारा। तो भक्ति हो ऐसी, कथा हो श्रवण ऐसा, आनंद की जहां कोई सीमा न रहे। एक और भक्त की कथा, ये क्योंकि भक्तों का विषय है इसलिए बता रहा हूं कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे होती है। कई बार हमें जो हमारा सर्कल होता है ना, कई बार हमारा सर्कल हमें भक्ति करना सिखा देता है, और कई बार हमारा ये सर्कल हमें भगवान से दूर भी कर देता है। ये डिपेंड है कि मेरा सर्कल कैसा है, मेरा फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदारी का सर्कल या जो भी है कैसा है, मैं कैसे लोगों के साथ उठ बैठता हूं। विल मंगल,
जिनकी कथा आपने मैं भी कि मुझसे पूर्व में आपने सुनी होगी, निश्चित तौर पर सुनी होगी। विलुमंगल बहुत अच्छे ब्राह्मण विद्वान, भगवान की पूजा पाठ करने वाले, बहुत सेवा पाठ करने वाले, नित्य भगवान की पूजा करने वाले, रसिक जनों के सिरमौर, लेकिन एक दिन की बात के उनकी मुलाकात चिंतामणि से हुई। चिंतामणि वैश्या वो बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि वो भक्ति करना बंद कर दिया और उसी का पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। अब 2400 घंटे उसी का चिंतन करते हैं, उसी का भजन करते हैं, उसी के पास रहते हैं। सोचिए कितना मोह होगा उनको उस चिंतामणि से। पिताजी का श्राद्ध जबरदस्ती गांव के लोग खींच के लाए, चलो अपने पिताजी का श्राद्ध करो, यहीं पड़े रहते हो, आज तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, चलो जाके श्राद्ध करो। आ गए जबरदस्ती गांव वालों के बुलावे पे, गए श्राद्ध कर किया। शाम होते होते पुनः उससे मिलने की इच्छा जागृत हुई और इतनी तीव्र इच्छा जागृत हुई कि जिसने सुबह अपने पिताजी का श्राद्ध किया हो वो घर में शाम तक ठहर नहीं पा रहा है और बिना किसी को कुछ बोले चल दिया। तब तक अंधेरा हो चुका था और उनकी जो प्रियसी थी वो नदी के उस पार रहती थी, पानी बहुत था, बाढ़ थी, और जब बाढ़ थी तो उनके मन में ये विचार आया, मुझे तैरना नहीं आता, अगर मैं इस बहती हुई नदी में कूदूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे और अगर मैं नहीं गया तो मैं अपनी प्रियसी से मिल नहीं पाऊंगा तो मेरे प्राण इस किनारे पे ही खत्म हो जाए, मैं रह ही नहीं पाऊंगा। प्रेम की पराकाष्ठा होती है साहब, ये प्रेम की जो स्थिति है ना बड़ी विचित्र है। ये अगर कृष्ण से हो जाए तो आनंद आता है और फिर मन करता है कि प्रेम इसी को कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल आई ढूंढन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। प्रेम की पराकाष्ठा क्या है, बोलिए कि हम में और तुम में कोई अंतर ही ना रहे। कई बार तो राजा रानी जब कृष्ण को पत्र लिखती थी ना तो संबोधन होता था श्री राधे, कौन लिख रही है, राधा रानी लिख रही है, किसके लिए, कृष्ण के लिए, संबोधन क्या है, श्री राधे। इट मींस राधा स्वयं राधा को ही पत्र लिख रही है, भावावेश कृष्ण का हो गया, अब वहां राधा रही नहीं, प्रेम में इतनी विह्वल, विरह में इतनी विह्वल कि अब राधा स्वरूप अपने आप को भूल गई, उनको लगा कि मैं कृष्ण हूं, अपने विरह में अपने वियोग में कृष्ण को महसूस कर रही है, उनको लगा कि मेरे हृदय में जो विरही है वैरागी है वो कृष्ण है और कृष्ण को राधा की याद आएगी, तो राधे लिखा, लिखत हती मोहन को पाती राधा लिख जो गई सखीरी कैसी प्रीत भई। ये कैसी प्रीति है, ये कैसा प्रेम है। अच्छा एक बात बताओ, आप जिस दुनिया वाले शख्स से प्रेम करते हो, बेटा हो या बेटी, प्रेम मीन्स एक ही जगह नहीं होता, प्रेम और बहुत तरीके के होते, भाई से प्रेम होता है, माँ बाप से प्रेम होता है, जिससे भी आपको प्रेम है आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, अगर वो आपसे ज्यादा दूर, अगर प्रेम सच्चा हो तो, दिखावे वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जी ले लो रसगुल्ला, वो तो आर्टिफिशियल है, नहीं आजकल नकली प्रेम नहीं देखा आपने, मिल जाओ तो ऐसी खामा खाकी इतने पूरी 5-6 इंच का मुंह करके हंसेंगे जैसे समझो इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं था, और न मिले तो दुआएं करते कि कभी मिलना ही ना हो,
राधे राधे बोलना पड़ेगा, अरे जरा जोर से बोलना पड़ेगा। जिससे भी प्रेम करते हो और अगर वो तुमसे ना मिले, उसे तुम्हारी दूरियां हो थोड़ी बहुत, तो भोजन पानी कुछ अच्छा नहीं लगता, लगता है? जवाब तो दे दो। मां से बेटा दूर हो तो मां क्या सोचती है, बेचारे ने कुछ खाया होगा कि नहीं, कुछ पिया होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे रह रहा होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि मां सच्चा प्रेम करती है बेटे से, दुनिया में और कोई प्रेम नहीं करता। एक एक जगह में पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात है। एक व्यक्ति अपने काम पे से निकला और जब काम से निकला तो देखा बादल हो रहे हैं, बारिश होगी। उनको कैसे हो सकता है बारिश होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं? पैदल था, दौड़ता हुआ चला गया तो रास्ते में बारिश हो गई, और रास्ते में बारिश हुई तो भीग गया। जब भीग के घर पहुंचा तो पिताजी ने कहा, बड़ा स्टाइल मार रहा है, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? बारिश हो रही थी तो कहीं रुक जाता, स्टाइल मारने की क्या जरूरत है? भाई ने कहा, हीरो बना फिरता है ना, दिखा रहा होगा कि मैं कैसा हूं। पत्नी बोली, देख लो पापा जी, तुम्हारा ही बेटा है, सबने तमाम ताने मारे, लेकिन मां निकली और मां टावल लेकर आई और मां बोली, इस बारिश को भी अभी आना था, थोड़ी देर बाद आ जाती तो मेरा बेटा तो भीगने से बच जाता। सब लोग ताने मार रहे हैं, मां क्या ताने किसको मार रही है? बारिश को। इसको भी अभी आना था, क्यों? मां मां होती है, मां जैसी शख्सियत ऑल ऑफ वर्ल्ड तुम्हें और कोई नहीं मिलेगी, मां सिर्फ मां। तुम्हें थोड़ा भी कहीं चूकता है ना, दर्द मां को होता। लेकिन ये संसार है, इतनी जल्दी हम लोग मां को, मां मीन्स परमात्मा, जैसा मां का स्वभाव है ना वैसे ही परमात्मा का स्वभाव है। मां का स्वभाव हमें दिखता है, परमात्मा का नहीं दिखता है। यहां ये बात कहना जरूरी है, ये बात कंप्लीट कर रहूंगा तभी कंप्लीट होगी। मां मीन्स परमात्मा, मां का जितना दयालु स्वभाव है परमात्मा का भी, परमात्मा का थोड़ा राज्य बड़ा है इसलिए उसका स्वभाव उससे भी कई गुना बड़ा, लेकिन परमात्मा कैसा होता है उसकी हल्की झलक मां में दिखती है। थोड़ी सी झलक मां में दिखती है कि भगवान कैसा होता होगा। तो मेरे प्यारे, विल मंगल को लगा कि अगर मुझे तैरना नहीं आता है, नदी में कूदूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, पहली बात, और नहीं गया तो मैं खड़े खड़े ही मर जाऊंगा। इससे तो बढ़िया एक प्रयास ऐसा कर लिया जाए उससे मिलने का, एक अगर मैं मर भी गया तो उससे मिलने का प्रयास तो करूंगा ना, प्रयास करते करते मरूंगा, और मैं भी ऐसा हो कि ये लहरें तेज हो और मुझे उस किनारे पे फेंक दे, ये भी तो हो सकता है। लव इज ब्लाइंड, राइट? क्या लव इज ब्लाइंड? प्यार अंधा होता है, और ये सच है, चाहे दुनिया वालों से कर लो तो भी अंधा ही है, भगवान से कर लो तो भी अंधा ही है, लेकिन भगवान का प्रेम तुम्हें अंधेरे में डूबने नहीं देता, इतना अंतर है। वो तुम्हें निकाल के ले जाता है, बचा के ले जाता है, तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। ब्लाइंड फेथ तो करना ही पड़ेगा तुमको भगवान पे, नो डाउट कि तुम्हें ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा ईश्वर पे। तो मेरे प्यारे, उसने सोचा कि इस किनारे पे खड़े खड़े मरने से तो बढ़िया है कि अपनी देवी से मिलने के लिए प्रयास करना चाहिए, और विल मंगल उस बहती हुई नदी की तेज धारा में कूद पड़े। देखो काम प्रताप बढ़ाई, देखो ये काम कितना प्रबल है, देखो ये इच्छाएं कितनी प्रबल है, जानबूझकर जीव मृत्यु के मुंह में अपने आप को डालता है जानबूझ के।
राम को वनवास न होता अगर राजा दशरथ काम को अपने बस में कर लेते। सो सुन तीरिस गयो सुखाई, कौन जिसके वैसे देवराज इंद्र भी भयभीत रहते, जिसके बल से, जिनमें इतना बल है कि समय समय पर देवराज इंद्र भी मदद मांगते। वो महाराज चक्रवर्ती दशरथ को जब पता चला कि देवी जी नाराज हैं, गर्भ से बाहर कितनी भी मेज तुम्हारी अच्छी हो, और जब पता चल जाए देवी जी नाराज हैं, तो जी कैसे हो तो है, हैं? गाड़ी की ब्रेक भी ना लगे टाइम पे, कई बार तो एक्सीडेंट फोन पे ही हो जाते हैं, जैसे सुन लेना देवी जी नाराज हैं तो गाड़ी में ब्रेक लगाते एक्सीलेटर दब जाता है डर के मारे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पूरी दुनिया से जीव जीत सकता है, लेकिन जब घर में आता है तो वेलकम टू चुहा सिंह, स्वागत है आपका। कुछ देवियां अच्छी होती हैं साहब, आप जैसी देवियां, जितनी भी देवियां आई हैं, अमेजिंग ऑसम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आई, उनके हस्बैंड थोड़े से, खैर। तो बिल मंगल चाहत कितनी ऊंची है कि मुझे मिलना है, और मिलने की चाह में कूद पड़े नदी में, अब लहरों में हाथ पैर मार मार के थक गए, उनको लगा कि अब मैं डूबने वाला हूं, उनको लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, अब कोई नहीं बचा सकता मुझे डूबने से। लेकिन जानते हो क्या हुआ, उसी वक्त एक मुर्दा बहते हुए आया उसमें नदी में, और बिल मंगल महोदय को क्या लगा कि ये जो नाव है हमारी देवी जी ने भेजी है। उनको पता था कि शाम को वो नहीं रहेगा, तो हमारे लिए नाव भेजी है। एक और अच्छी बात बोलते चले, समझिएगा, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी सिर्फ अच्छाई नजर आती है, और जिनसे हम नफरत करते हैं उनकी सिर्फ बुराई नजर आती है। हाँ या जी ना जी, हाँ जी, जिससे हम प्रेम करें ना, अरे देखा नहीं वो कितना क्रोध करता है, वो तो सभी करते हैं, देखा नहीं उसके सोने का स्टाइल कितना गंदा है, कैसे पड़ा रहता है जैसे बिजार पड़ा हो, अरे तो क्या हुआ, उसका अपना अलग स्टाइल है, देखा नहीं कितनी गंदी गंदी चीजें खाता है, तो क्या हुआ फैशन है, और जब लड़ाई हो जाए तो बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो क्या मुझे खाएगा, ले जब प्यार हो तो इतनी बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, और जब प्यार ना हो तो सिर्फ बोलने पर ही लड़ाई हो जाती है, क्यों, ये मेरा नजरिया है, मैं देखना क्या चाहता हूं। जब किसी से प्यार होता है तो सारी अच्छाई नजर आती है, बुराई छिप जाती है, और जब किसी से नफरत होती है तो माँ बाप से भी नफरत हो जाए ना, तो हम ये भूल जाते कि इन्होंने हमें पैदा किया है, इतने स्वार्थी हो जाते हम लोग, हम इतने गिर जाते हैं कि इन्होंने हमें पैदा किया है, ये भी भूल जाते हैं हम। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ जी कि ना जी, हाँ जी। अब बताओ, डूब रहे हैं, मुर्दा आ गया, क्या समझ रहे हैं बिल मंगल, हमारी पत्नी ने हमारे लिए नाव भेजी है, और उसको पकड़ा, संयोग अच्छा है, देव योग अच्छा है, देव योग से क्या हुआ, देव योग से उस मुर्दे ने उन्हें पार कर दिया, देव योग से उस मुर्दे ने पार कर दिया, और इसी को कहते भगवत कृपा, क्या कहते इसे, भगवत कृपा। जब भगवान बचाने पे आए तो तुम सागर में भी बच सकते हो, और भगवान तुम्हें मारने पर आए तो बारिश की एक बूंद तुम्हें समाप्त कर सकती है, सिर्फ बारिश की एक बूंद समाप्त कर सकती है। यार ये तो जोर से बजा लो, या फिर राधे राधे गा लो, जोर से बोलना पड़ेगा, गलत है,
बोली, जब भगवान मारे तो बचाएगा कौन? बोलिए, कौन बचाएगा? और भगवान बचाए तो इस दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हें मार दे? कोई नहीं मार सकता तुम्हें, सब कुछ कृष्ण के ऊपर डिपेंड है, सब कुछ गोविंद के ऊपर डिपेंड है, मेरे कृष्ण के ऊपर। विल मंगल को एक मुर्दे ने पार कर दिया। अब पहुंचे अपने प्रियसी के घर में तो देखा वहां अंधेरा हो चुका है, अंधेरा हो गया, दरवाजे बंद हैं, क्या करें? इनका भी चरित्र ठीक वैसे है जैसे तुलसीदास बाबा का। तुलसीदास बाबा का प्रेम अपनी पत्नी में था और इनका प्रेम एक वैश्या में था, सिर्फ इतना अंतर, सिर्फ इतना अंतर। कि इनका प्रेम एक वैश्या में था, उनका प्रेम अपनी पत्नी में था। तो सर्प लटका हुआ था, ये सर्प को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए और जब ऊपर छत से नीचे कूदे तो इनकी पत्नी की आंखें खुली और जैसे ही पत्नी की आंख आवाज हुई तो बोले कौन है, क्या है? तो गई, पता किया तो देखा दीपक जला के ये कौन है, पता चला ये। बोले तुम नदी पार कैसे की? बताया तुमने नाव भेजी थी, मेरे पास तक छत पे कैसे पहुंचे? बोले तुम्हें नहीं पता, तुमने तो मेरे लिए रस्सी लटकाई थी। ये सब देखने के बाद पता चला कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम है। अब तो और भी मन द्रवित हो गया, आनंदित हो गया है। अब तो तुम्हें छोड़ के कभी जाऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, मुझे नहीं पता था। मैंने रस्सी कहां लटका दी, कहां है वो रस्सी? वो रस्सी देखने गए तो वहां सांप लटका हुआ है और उस सांप को देखकर वो चिंतामणि वो कहने लगी, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति एक हाड़मास के पुतला से इतना प्रेम करे कि उसे रस्सी में और सांप में कोई अंतर नजर ना आए, मुर्दे में और नाम में कोई अंतर ना आए, ये कैसे संभव है, ये क्या हो सकता है? बहुत क्रोध आया उसका और उसने डांटा। देखिए पार्टनर भी हो तो कभी कभी ऐसा जो तुम्हें भगवान की तरफ फोल्ड कर दे। बोले तुम जिस हाड़मास के पुतले से इतना प्रेम करते हो, कभी तुमने सोचा है कि उम्र दराज हो जाने के बाद ये तन तुम्हें सुंदर लगने वाला नहीं? अस्थि चर्म मम देह ये तामे ऐसी प्रीत, जो कहूं होती श्याम में तौन हो या नरीत। जितना तुम इस हाड़मास के पुतले में प्रेम करते हो, ये हाड़मास का पुतला क्या है, आंखों से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, कानों से क्या निकलता है, सिवाय गंदगी के है क्या? सिर्फ ऊपर का प्लास्टर ठीक कर दिया भगवान ने, बाकी का तो सब दूषित ही है। यहां से कट जाए तो कोई देखेगा नहीं, आंखें बंद कर लेते, कई लोग तो चीख देते हैं। सिर्फ यहां से हल्का सा कट जाए तो क्यों चीखते, क्योंकि ऊपर का प्लास्टर देखने की आदत पड़ी हुई है ना, अंदर के जो सच्चाई है वो देखना हमें अच्छा नहीं लगता। और सच यह है, चाहे कोई मिस वर्ल्ड हो, चाहे एक गरीब बालक, सबके अंदर सिवाय गंदगी की कुछ नहीं। कोई धनवान होएंगे तो अच्छे साबुन शैंपू यूज कर लेंगे, गरीब होएंगे तो कोई हल्के साबुन वगैरह यूज कर लेंगे। तन को ही साफ करते हैं, मन को साफ किया किसने है? और जिसने मन को साफ किया है, मेरा मोहन उसी को मिला है, मनमोहन उसी को मिला है, माधव उसी को मिला है, मुरारी उसी को मिला है जिसका मन साफ है। आप सभी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे साधक हैं, उन सभी साधकों से एक प्रार्थना है कि अपनी साधना को भगवान की तरफ केंद्रित रखना,
ऐसे लोगों के साथ उठक बैठक आपकी होनी चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, जो भगवान से प्रेम करते हो। नास्तिक लोगों के साथ अगर आपका संबंध है तो निश्चित तौर पर एक दिन आप नास्तिक हो जाएंगे। नहीं, ये पंडाल बनाने वाले सारे लोग धर्मात्मा ही क्या है? उसे भागवत से मतलब है? जिसका भी पंडाल है वो बेचारा सैलरी उनको देते हैं, उनको उससे मतलब है? ये माइक चलाने वाला धर्मात्मा ही होते हैं क्या? ये लाइट वाले सब धर्मात्मा ही है? ये कैमरा वाले सब है भाई धर्मात्मा ही हो सब? ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना ही काम कर रहे हैं, आप अपने काम कर रहे हैं, ये सच्चाई से बहुत दूर है। एक ही सच्चाई बहुत बड़ी मजबूती से आप पकड़ लो, और वो सच्चाई ये है कि तुम कृष्ण के थे, कृष्ण के हो और कृष्ण के ही रहोगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग तुम्हें मिलेंगे जो कृष्ण के नहीं है लेकिन दिखावा करते हैं, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो कृष्ण के ही हैं दिखावा नहीं करते हैं। बस ऐसे लोगों से मिलते रहो, ऐसे लोगों को अपना मानते रहो, तो निश्चित तौर पर तुम क्या हो ये तुम्हें पहचान हो जाएगी, तुम क्यों हो ये तुम्हें पहचान हो जाएगी। चमड़ी गोरी हो या काली, बनना तो राखी है ना माय डियर, है हाँ या ना? ठाकुर जी तो काले हैं हमारे बांके बिहारी, लेकिन दुनिया दीवानी उनकी, क्यों? चमड़ी के नहीं है, उनकी लीलाओं के हैं। दुनिया में बड़े बड़े चमड़ी वाले घूम रहे हैं, दो पैसे का नहीं पूछता, लेकिन जिन ठाकुर से प्रेम करे वो ताउम्र पूजे जाते हैं, वो ताउम्र मीरा आज तक पूजी जाती है, प्रहलाद आज तक, ध्रुव आज तक पूजे जाते हैं। उन्हें तो किसी के बायोटाटा या टीवी चैनल पर आने की पहचान की जरूरत नहीं है, उनको कहां था टीवी चैनल उस समय, फिर भी लोग उन्हें पूछते हैं कि नहीं, भागवत उन्हीं का एक ग्रंथ है। लेकिन जब तक तुम्हारा अटैचमेंट किसी शरीर से होगा, अपने अपने शरीर से भी बहुत लोग प्यार करते हैं, नहीं करते हैं क्या? सुबह से शाम तक 4 घंटे तो दर्पण के आगे खड़े खड़े हैं, संवारने में लग जाते हैं 4 घंटे। लेकिन मेरे प्यारे, उस चिंतामणि ने बहुत अच्छी बात कही बिल मंगल को, जैसो हेत हराम को तैसो हर में होए, चले जाओ वैकुंठ को तेरो पल्लो न पकड़े कोई। जितना तुम प्रेम इस हाड़ मास के पुतले से करते हो, इससे 1% भी अगर तुमने प्रेम भगवान से किया होता तो तुम डूबते नहीं, तुम तर जाते, और ऐसे तरते के इतिहास तुम्हारा नाम गाता, तुम्हारी गाथा गाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तुम हरि से नहीं, हरि की बनाई हुई झूठी कल्पना से प्रेम करते हो। अब मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना, जो तुम्हें करना है करो, लेकिन मैं तो गई प्रभु का भजन करने। आज के बाद तुम्हारे इस चरित्र से मुझे उपदेश मिला कि लोग कितना इस शरीर को, झूठे शरीर को प्रेम करते, सच्चाई को नहीं। मैं तो चली अपने हरि का भजन करने, तुम्हें जो करना है करो। आज उस वैश्या के रूप में उसे गुरु मिल गया बिल मंगल को, वैश्या गुरु बन गया। चिंतामणि ने किसका चिंतन करना चाहिए राह दिखा दी, रास्ता दिखा दिया। जरूरी नहीं कि सारे बुरे लोग सारे बुरी बातें ही करेंगे, कभी कभी अच्छी बात भी करते हैं बुरे लोग, ये तो डिपेंड है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कमियां नहीं दिखती, और जिससे हम नफरत करते हैं उसकी अच्छाई नहीं दिखती। इट्स माई फॉल्ट माई डियर, ये हमारी गलती है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट अदर्स, दूसरों की कमी देखना बहुत आसान है। अभी एक जगह पढ़ रहा था, जितना विचार हम दूसरे की कमी ढूंढने में टाइम निकाल देते हैं, अगर उससे आधा भी टाइम अपनी कमियां ढूंढने में निकाल दें तो नो डाउट तुम और भी अच्छे बन सकते हो। 1 घंटे में बहुत अच्छे बन सकते हो। मत बजाना राधे राधे, मत बोलना, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।
मैं तो चली गई, चली जाऊंगी, मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, तुम्हें जो करना है तुम करो। आंखों से अश्रु बहने लगे बिल मंगल के और कहने लगे मुझे अकेले छोड़ के, मुझे भी हरि का चिंतन करना है। चिंतामणि, अब तुम्हारा चिंतन नहीं, मुझे चित चोर का चिंतन करना है। और लगे वीणा उठाया चिंतामणि ने, मृदंग उठाई विल मंगल ने, और वहीं पर सारी रात प्रभु का भजन करते रहे। सुबह होते ही चिंतामणि चली गई हरिद्वार, और इनका मन था वृंदावन जाने का। ये वृंदावन की ओर बढ़े, और जब वृंदावन की ओर बढ़े मेरे प्यारे, तो इनके मन में एक विचार आया कि जब तक हरि का दर्शन कैसे हो, मुझे तो हरि का दर्शन करना है, लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले इन्होंने जाकर सोमगिरी जी से मंत्र दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर हरि चिंतन करने लगे। अब इनके मन में दिन प्रतिदिन ललक है, काहे की, बोले भगवान के श्री धाम का दर्शन करने की। आजकल तो वृंदावन धाम जाना बहुत ही जी है, फ्लाइट है दिल्ली तक, फिर आगे निकल जाओ, ट्रेन है, राजधानी है, बहुत ट्रेन है, लेकिन इन दिनों में जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, फोग होता है उधर, एक एक ट्रेन काफी लेट होती है, फ्लाइट भी मुंबई में आधे घंटा ऊपर घुमा देते हैं। आप ही की कल ही घुमाया, कल मैं आने वाला था यहां पर, घुमा दिया ऊपर तो रह गया। आजकल तो बहुत सुविधा है वृंदावन जाने की, है ना प्यारा भजन, मेरा मन पंछी है बोले उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अरे भजन नहीं गा रहा हूं मैं, ऐसे याद दिला रहा हूं कि मैं पीछे बार ये भी भजन गाए थे, आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। मेरा मन पंछी है बोले उड़ी वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता में, वृंदावन की लता पता में। कभी गए हो तो मुझे आनंद मिलेगा, और ना गए हो तो बुला रहा हूं, होली पे आ जाना। कितने तारीख से? 9 मार्च से लेके कितने, 16 मार्च तक। किसके साथ? मेरे कन्हैया के साथ, अभी से बुला रहा हूं, और सारे किस्मत वाले तो आ जाएंगे और आगे कुछ पता नहीं, कौन नहीं आ पाएंगे इनके लिए कोई विश्लेषण नहीं है। दुनिया के रंग चढ़ाने से बढ़िया है कि अपने कन्हैया का रंग चढ़ाओ, अपने जीवन में कन्हैया को अपनाओ। चल चबीले कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल दिल तड़पाती है। चल चवीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, ए आलसी हो हाथ ऊपर करो जरा, और ऊपर करिए, कोयल मन
जान तड़पाती है, छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ अब जाऊं, ब्रज की लता पता है मेरा दे आप बजाते हैं निधवन जी में जा कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। गलियों में झूम झूम के, सज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में मेरा दे राधे गाऊं, मेरा दे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले। मैंने मना किया था ना, खड़ा होने को मना किया था, तुम्हारे चक्कर में गाना पड़ गया, मुझे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, प्रेमियों के लिए सच्चा स्थान सच्चा प्लेस अगर कोई है तो श्रीधाम वृंदावन। जो कृष्ण प्रेम करे वो कोशिश करे कि वृंदावन में उनका आना जाना लगा रहे, और सिर्फ जाए ना, कुछ दिन रहे भी। आजकल के मॉडर्न लोग तो जाते हैं, प्रणाम किया सुबह गए और रात को घर वापस लौट आए, दो मिनट गए थे भगवान जी को हाय हेलो करने, और भगवान जी दूसरों से हाय हेलो करने में व्यस्त थे, ये रह गए, बोले हमें तो कुछ मिला नहीं। अरे तुझे कहां से मिलता, भगवान और उनके साथ बिजी थे, तेरी तो मुलाकात भी नहीं हुई। बोले वहां खड़े तो थे, बोले खड़े हुए तो बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबको थोड़ी थोड़ा थोड़ा सेटिंग करो, अच्छी सी सेटिंग करो, उनको पता चलना चाहिए कि ही इज फ्रॉम मुंबई, उनको पता लगना चाहिए कि वहां से आया बेचारा और थोड़ा रहे वहां रह के थोड़ी धाम की सेवा करे। एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब भी किसी धाम में आप जाएं, धाम को गंदा ना करें। बहुत से लोग वहीं कुल्लड़ वुल्लड़ फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, ऐसा ना करें। धाम की मर्यादा उनको बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। धाम की सेवा मीन्स कृष्ण की सेवा ही है, ये भगवान का घर है धाम, श्री धाम वृंदावन जो है भगवान का घर है। अगर आप वृंदावन में जाके कुछ गंदगी करते हो, इट मीन्स कि आप भगवान के घर में गंदगी फैला रहे हो। इसलिए मर्यादित होकर वहां जाना चाहिए और मर्यादित होकर ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे विल मंगल जी के मन में था कि हम वृंदावन जाएं, तो वृंदावन के लिए वो आ रहे थे, तो एक बहुत अच्छा वन देखा, वहां सुंदर सरोवर थी, मन हुआ कि उस सरोवर के तट पे कुछ दिन वहां रहा जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां एक गांव के पास में जो वो सरोवर थी, वहां वो रहने लगे और कुछ समय वहीं पर
उनके भजन की प्रशंसा पूरे गांव में होने लगी, चर्चा होने लगी पूरे गांव में। तो कुछ देवियां वहां आना जाना जल लेने उस सरोवर पे उनका बना रहता था, तो विलमंगल जी किसी को आंखें उठा के देखते ही नहीं थे, वो तो अपने ऐसे प्रेम में विह्वल थे कि कुछ पूछो ही मत, वो तो अपने आनंद में खोए हुए थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। पर संयोग कहेंगे, एक स्त्री वहां पर आई जो कि बहुत 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 सुंदर थी, और वो स्त्री उस सरोवर में स्नान करने के बाद और भी सुंदर लगने लगी। और जैसे ही विलमंगल जी पूजा करके उठे, उधर से उसका स्नान करके जाना हुआ, उसको विलमंगल जी ने न चाहते हुए भी देख लिया और मन उसमें फंस गया, और ऐसा मन फंसा कि उसके पीछे पीछे चल दिए। वो घर में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया, ये बाहर खड़े रहे। कुछ समय बाद उस स्त्री के पति आए और पति ने पूछा, ये वैष्णव कौन है जो बाहर खड़े हैं? तो उस स्त्री ने बिना कुछ झूठ कहे सारी बात सच बताई कि मैं स्नान कर रही थी, शायद उन्होंने मुझे देख लिया है और वो मेरे पास में आए, शायद वो कुछ और उनके मन में है। तो पति देव बोले, अरे पागल हो क्या, उनको भीतर बुलाओ, भीतर बुलाओ, उनकी पूजा करो, उनका सत्कार करो, 16 श्रृंगार करके उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, और जो वो कहें उनकी मनोकामना पूर्ण करो। वैष्णव की सेवा करने से तुम्हारा भी कल्याण हो सकता है और मेरा भी कल्याण हो सकता है। पति की आज्ञा श्रद्धार्य किया उसने, पति गए, वैष्णव इन्हीं को विलमंगल जी को लेकर आए, भीतर लेकर गए, बैठाला, इन्होंने श्रृंगार किया, श्रृंगार 16 श्रृंगार किए, और 16 श्रृंगार करके पूर्णतः सज कर विलमंगल के पास पहुंची। और जब ये पहुंची, इनको आया हुआ देखकर उनके मन को सुकून मिला, अच्छा लगा। पूछा, पतिदेव ने कुछ कहा नहीं? बोले, पतिदेव ने ही मुझे आपके लिए आज्ञा दी है कि आप 16 श्रृंगार करके जाओ और वैष्णव की पूरी सेवा करो, साधु का पूरा स्वागत करो, और जो साधु कहें वही करो, मेरे पति ने ही मुझे आज्ञा दी है। विलमंगल की आंखें झुक गई, हृदय द्रवित हो गया, और विलमंगल ने कहा, धिक्कार है, तूने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, चिंतामणि ने तुझे भगवान की तरफ लगाया था, लेकिन फिर से तुझे ये माया सताने लगी। मनी मन परेशान होने लगे और विलमंगल ने कहा, देवी एक काम करो, सुई लेकर आओ। सुई लेकर आए, देवी जी सुई लाई, और बिना एक क्षण गंवाए विलमंगल ने उस सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, दोनों आंखें फोड़ ली। रोने लगी वो देवी, मुझसे क्या अपराध हो गया, ऐसा क्यों किया? पति देव आए दौड़े दौड़े, अरे महाराज हमसे क्या अपराध हो गया, क्या? रोने लगे, पति पत्नी दोनों चरण पकड़ के रो रहे हैं, ये क्या अनर्थ हो गया प्रभु, हमसे कोई गलती हो गई, ये एक साधु हमारे यहां आकर ये कर रहा है। विलमंगल कहते हैं, मैं तो सिर्फ नाम का साधु हूं, असली साधु तो आप हैं, आप असली साधु है। ऐसी सेवा न कोई कर सकता, न कोई सुन सकता, या कभी सुनने में ऐसी सेवा नहीं आई जैसी आपने कर दी। असली साधु आप हैं, असली साधु है। तो फिर प्रभु आपने अपने नेत्रों को क्यों सजा दी? बोले, इन्हीं नेत्रों की वजह से मैं कुछ देर के लिए भटक गया था, अब इन नेत्रों को मैं तब तक नहीं उघारूंगा जब तक मुझे श्याम न मिल जाए। अब तो इन नेत्रों से सिर्फ श्याम प्यारा ही देखना है, कोई और नहीं देखना। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें भक्ति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देकर विलमंगल उस सदगृहस्थ को वहां से चले गए। कभी अपने आप को कोसते हैं कि मेरा मन कैसे भटक गया, क्यों भटक गया, और चले वृंदावन की राह में। ठाकुर जी जानते हैं अंधे हैं, तो कई बार स्वयं ठाकुर जी आए हैं इनका हाथ पकड़ के, इनको राह दिखाने। विलमंगल ने पूछा, ए जी आप कौन है, अंधे हैं ना, दिखा तो नहीं कुछ भी, लेकिन हाथ पकड़ना बड़ा अच्छा लगा।
भगवान का हाथ तुम्हारे हाथ जैसा थोड़ी है। एक बार स्पर्श हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे इस प्यारे अलग ही दुनिया में आ गए। फिर तो मरना भी अच्छा नहीं लगता, जानते हो क्यों? बोलिए स्पर्श छूट जाएगा। दर्शन, स्पर्श, वचन श्रवण, ये प्रेम की अनुभूति है। श्री कृष्ण ने स्पर्श जब किया विल मंगल को, तो अब कह रहे आपकी जगह आ गई, छोड़ दो। बोले अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। अरे छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ना, अब नहीं छोड़ना आपको। कौन है आप बताओ तो सही, आपका नाम क्या है? तो हमारे सरकार बताते हैं हमारा रियल एड्रेस क्या है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी बोलते बांके बिहारी नाम है, वृंदावन मेरो गांव। सुन लीजिए ठाकुर जी का हमारा एड्रेस पूरा, विजिटिंग कार्ड है पूरा, काम भी है कि क्या काम करते हैं। बांके बिहारी नाम है, वृंदावन मेरो गांव। गाय चराऊं सवन की, यही हमारो काम। मेरा नाम बांके बिहारी है, वृंदावन में रहूं और सवन की गैया चराऊं, यही मेरो काम है। बिलमंगल बोले आपकी बाणी बड़ी मधुर लगे। बोले बाबा आप जैसे साधुन को संग करके यही सीखे हो मैंने, तुम इधर से निकलोगे कैसे? निकल के दिखा सकते हो, दिखाओ। अब ये ब्रह में बड़े बेहुअल हो गए और श्रीधाम वृंदावन में गली गली में बंसी बजाते भये, काहू ने मेरे श्याम देखे। बंसी बजाते काहू ने मेरे, ए जी होने श्याम तुमरे, जमुना तट पे देखे। क्या करते हुए? रास रास रचाते भये, हमने तुमरे श्याम देखे। हमने तेरे श्याम वृंदावन में देखे। गैया चराते भये, किसी ने मेरे श्याम देखे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वृंदावन गए, ब्यार जी के मंदिर में जाकर प्रणाम किया, लस्सी पी, पेड़ा खाए और चले आए, हो गए दर्शन। है ऐसे दर्शन है जाए तो सब तर जाए, पापी ते पापी भी। ऐसे दर्शन नहीं है ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। जैसे बिना निमंत्रण पे जो वो रिश्तेदार भी आते ना तुम्हारे, जिनको तुम लाइक नहीं करते, आते ना, हाँ हेलो हेलो, हाँ भाई जी, बड़े बड़े बड़े, बड़े, अच्छा खुश रहो, बढ़िया, अच्छा अच्छा, गए पार गए। हैं होते ना ऐसे, और एक रिश्तेदार होते भैया कोई काम हो तो बताना, हम तुम्हारे साथ खड़े भैया, कोई भी और बताओ ना हमें, तुम बैठो आराम से, तुम टेंशन मत लो, हमें बताओ हम क्या करें। ऐसे रिश्तेदार मेरे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, जो धाम में जाकर ठाकुर जी से कहते हैं आप आराम से खड़े रहो, बैठे रहो, आप थक जाते होंगे, आप हमें बिल्कुल भी टाइम मत दो, कोई बात नहीं हम सेवा करेंगे, हमें काम बता दो। ऐसे लोगों को ठाकुर जी दौड़कर अपने गले से लगा लेते हैं, प्यार करते हैं ढेर सारा। हाँ जो ताली बजाते नहीं है ना उनको ज्यादा करते हैं, वो VIP है ना वो लोग, और क्या, VIPयों को ज्यादा प्रेम मिलता है ना भगवान की तरफ से। ले लियो डंडा ठाड़े वो बगल में। बिलमंगल वृंदावन की गलियों में प्रण कर लिया, जब तक आपका दर्शन नहीं कर लूंगा भोजन नहीं करूंगा, आओ दर्शन दो। एक दिन दो दिन तो ठाकुर जी सह गए, लेकिन ज्यादा दिन ठाकुर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो ठाकुर जी ने क्या किया, हाथ में भोजन का पात्र लेकर स्वयं ठाकुर जी पधारे। ए जी आपने कहू दिनाते नहीं खाया, कछु खा ले हो? बोले हम नहीं खाएंगे।
क्यों? बोले हमने संकल्प लियो जब तक हमारे आगे कृष्ण नहीं आएंगे तब तक हम कछु नहीं खाएंगे। अरे बोले खा लो कृष्ण तो मिल ही जाएंगे, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। अरे तुम तो वोयो का बांके बिहारी की सी आवाज लग रही है। बोले हाँ मैं हूं तो वही पर तुम खा लो। हाथ पकड़ा, सच बताओ तुम कृष्ण ही हो ना, तुम मेरे ही कृष्ण हो ना। अरे बोले खा लो तुम्हें मेरे अपने थे, वृंदावन मेरे सब अपने, कोई गैर नहीं है। या वृंदावन में जो भी आम है ना ये सब मेरे अपने ही है। बिलू मंगल लड़ पड़े, बोले बताने में शर्म आती है क्या आपको? अरे बोले क्या करें बाबा, आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है ना तो हमसे रहा नहीं गया, तो हम आ गए। रो पड़े बिल्लू मंगल, कितनी चिंता करते हो ना आप अपने भक्तों की, कितनी चिंता रहती है, कितनी फिक्र रहती है ना आपको अपने भक्तों की। जय हो मेरे प्रभु, जय हो, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी करुणा है आपकी। जैसे ही भगवान की कृपा हुई तुरंत बिल मंगल के नेत्र आ गए और उन नेत्रों से बिल मंगल श्री कृष्ण का दर्शन करने लगे और ठाकुर जी अपने हाथों से खिला रहे। पहले का चरित्र देखिए, अपने पिता के श्राद्ध को छोड़कर पूरा करके शाम को ही एक वैश्या के समीप चले गए और अब देखिए स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथों से उन्हें भोजन करा रहे हैं। मतलब समझे नहीं समझे? समझा दूं? हाँ मुंडी हिला के बोलो, हाँ बोलो जी, समझा दो जी, तो समझ लो जी। भगवान को तुम्हारे पास्ट से कोई लेन देन नहीं, जो बीत गया उसे मेरे कृष्ण को कोई लेना देना नहीं। मेरे कृष्ण को अगर लेना देना है तो आज से, अभी से मेरे कृष्ण को लेना देना है तो जो आज है, जो अब हो रहा है उससे। अगर तू अपना पास्ट भुलाकर, अपना जो बीता हुआ कल है उसे भूलकर अगर आज मेरे कृष्ण के समीप चला जाए तो मेरा कृष्ण तुझे सब सर्वथा प्रमाणित तौर पर तुझे माफ कर देगा और तुझे अपना बना लेगा, तुझे स्वीकार कर लेगा और तुझे दर्शन देने के लिए तैयार है वो। भाई सो भाई अब राख रही को, जो हो गया उसे भूल जा, जो हो गया दैट्स इट, उसे होने दे, खत्म कर। लेकिन जो बचा है तेरा फ्यूचर, तेरा कल जो बचा, बीता हुआ कल तेरे हाथ में नहीं था, वो निकल गया, अब क्या लौटेगा नहीं। और बचा हुआ आने वाला कल तेरे हाथ में वो भी नहीं है, तेरे हाथ में है आज अभी इसी वक्त। इसको संभाल, इसे सुंदर बना। और जब तू आज को सुंदर बना लेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं तेरे साथ, तेरा आज सुंदर होगा कल अपने आप तेरा सुंदर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं आपको जानते हो? कि विल मंगल शुरुआत में वैश्या के सानिध्य में रहते थे और आज उन्हीं विल मंगल को मेरे ठाकुर जी के हाथ का भोजन पाने को मिल रहा है, अपने उन्हीं के हाथ से। मेरे ठाकुर के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, मेरे कृष्ण के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं। तेरे कर्म कितने भी बुरे क्यों ना हो, तू कल को भूल तो सही एक बार, तू एक बार डिसाइड तो कर कि हां मैं सब छोड़कर तेरे पास आने को। गीता में कृष्ण घोषणा करते ना सिर्फ अर्जुन के लिए, हम सब के लिए, सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इट्स नॉट ओनली फॉर अर्जुन, इट्स फॉर ऑल ऑफ यू, हम सब के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। कि जो हुआ उसे भूल, आज को संभाल। और आज यह है कि तू मेरा है, मैं तेरा हूं। जब इस कंडीशन में तू कृष्ण का हो जाएगा तो नो डाउट मेरा कृष्ण तेरी उंगली ही नहीं पकड़ेगा, तेरे साथ गोपियों जैसा रास भी रचाएगा, अगर तुझे अच्छा लगे तो। मिलेगा सांवरिया बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे,
मिलेगा सांवरिया, नो डाउट मिलेगा, बांसुरिया बजेगी, बांसुरी कौन स्वयं श्याम बजाएगा, तेरे सारे सपनों को मेरा कृष्ण पूरा करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी है उसकी। जन्म अनमो बोल रे, फर्स्ट यू थिंक हाउ मच कॉस्टली योर लाइफ, कितना कीमती है तुम्हारा ये जीवन। तू राधे राधे बोल रे, ओनली वन थिंग से ऑलवेज राधे राधे। क्या बोलना है? हमेशा बोलते रहो कृष्ण मिलेंगे, कोई संदेह नहीं इसमें, संदेह करे वो पूर्ण भक्त नहीं। जिसे मेरे कृष्ण के इन लीलाओं पर संदेह है वो भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। एक बात ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे हो, जो भगवान की लीलाओं पर संदेह करता है वो भक्त नहीं हो सकता। वो किंतु परंतु करने वाला या तो कलयुगी मूड होगा अथवा कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ज्ञानियों को भी बहुत आसानी से प्रेम भाव पचता नहीं है, वो रोज कसरत करते हैं इसे पचाने के लिए शास्त्रों से, एवरीडे शास्त्रों की कसरत करते हैं। वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, वहां ऐसा लिखा, वहां ये है, वहां ये बोल कैसे दिया, उनकी कसरत ही तो है, ये उनका जिम खाना है समझो। लेकिन प्रेम में कोई जिम खाना नहीं होता साहब, यहां कोई कसरत नहीं होती, यहां तो मिलन होता है, कोई शर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहां सिर्फ एक ही शर्त है, एक बार दिल से कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, आई एम योर्स, यू आर माय, आई एम योर, दैट्स इट। ठाकुर जी मिलेगा, और वो किस्मत क्या कहें जिनको स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से पवा रहे हैं, वो किस्मत कैसी होगी। अरे साहब दिन भर काम करके जाएं और शाम को पत्नी अच्छा सा भोजन बना के रखे तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है, क्यों शेखर जी, होती है कि नहीं? कई बार तो आपको ही बनाना पड़ता है। हाँ अमेरिका में तो चलता है ना सब, कभी देवी जी बना देती हैं, कभी है, और चलता है। और ये मत सोचना कि आपकी अमेरिका में चलता है, मुंबई में भी ऑल्सो ये बैठे तमाम जिजमान सब संडे वाले दिन अपनी देवी जी को और न बना के खिलाएं, क्यों तिवारी जी बनाते हो कि नहीं संडे वाले दिन? हाँ और क्या, आपका नाम कर लूंगा राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तू मामी भर रहे हो, देवी जी कुछ नहीं बोली, खिलाते क्या संडे वाले दिन? नहीं, अरे समाज में तो हामी भर दो कम से कम। हाँ खिला राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा अभिप्राय था कि अगर हमारी पत्नी या पति हमें अपने हाथ से कुछ भी बनाकर खिलाए तो हमारे दिल को कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है, उसकी उस दिन की गलतियां भी माफ कर देते, इट्स ओके, बहुत अच्छा, चलो छोड़ो ना उसको, नहीं करना, हमें ये बात करनी है। हाँ लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण अपने हाथों से तुम्हें खिलाए, मेरा गोविंद तुम्हें स्वयं अपने साथ बैठा कर खिलाए, तुम्हारे लिए लेके आए और तुमसे कहे कि तुम्हारे लिए लाया हूं, साहब 84 लाख योनियों में जितने भी कष्ट मिले हैं ना, जीव एक क्षण में भूल जाता है, एक क्षण में, जब श्री कृष्ण के हाथों से बना हुआ प्रसाद एक बार उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है, नसीब हो जाता है, वो भी कृष्ण के हाथ से। अब किसको याद करूं, क्यों याद करूं, 84 लाख योनियों के तमाम कष्ट वो भूल जा रहा है उस समय, कब? जब श्री कृष्ण के हाथ से प्रसाद और कृष्ण की मुस्कुराहट के साथ मिल जाए। वो प्रसाद नहीं, वो अमृत है। फिलमंगल रोते रोते भोजन ग्रहण किए, भगवान बोले अब क्यों रोते हो? बोले सरकार ये दुनिया को जब से मैं दुनिया को देखता है अपनी आंखों से, ये दुनिया बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन जब से आपका दीदार किया है लगता है ये तो आपके पांव की धोवन भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब लगता है सिर्फ आप हो। अब तो
एवरीडे का ये नियम हो गया कि प्रसाद तभी लेंगे बिल मंगल जब ठाकुर जी अपने हाथ से खिलाएंगे। ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी है, वहां से एवरीडे जो भगवान को भोग लगता है ना वहां से ही दोना में प्रसाद आता है बिल मंगल के लिए। अब तो ये व्यवस्था कर दी एवरीडे की। अरे तुम मानो या मत मानो, तुम्हारी व्यवस्था भी तो ठाकुर जी ने की है। अब ना तुच्छ लोग ना समझे तो डूब मरो, समुद्र है आसानी रहेगी। न जमुना में तो पानी नहीं है तो वहां डूबेंगे कैसे भाई? जमुना में पानी नहीं है अब तो वहां डूब नहीं सकते, समुद्र ही बढ़िया रहे। है अभी पानी चाहे गंदा ही सही है तो सही। लोग कहते हैं मैंने किया मैंने किया, कितना झूठ बोलते हैं। तू अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है तेरी लाइफ में ये मेरा ठाकुर कर रहा है। यकीन मान तुझे जो भी मिला ये मेरे ठाकुर की कृपा से मिला। तेरे पास तेरा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे पास तेरा। बड़े अभिमानी है वो लोग, बड़े चोर हैं वो लोग जो कहते मैं करता हूं। जब तुम ही करते हो तो वो दिन कहां होता है जब तुम्हारी अर्थी को कोई चार कांदा देने वाला नसीब नहीं होता। देता तो कृष्ण ही है, कई लोग मान लेते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं, और जो नहीं मानते उनकी बदकिस्मती है साहब। जो मान लेते हैं वो थोड़े अच्छे सेवक हैं, अपने आप को सही दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। अब तो एवरीडे व्यवस्था कर दी। अब ये बात हरिद्वार में चिंतामणि को पता चली, उस वैश्या को पता चली कि बिल मंगल को कृष्ण का दर्शन हो गया। कैसा भी सही प्रेम संबंध तो रहा ही था, तो उस प्रेम संबंध की वजह से अपनत्व की फीलिंग तो थी उनमें कि वो मेरे अपने। उन्हें अचानक से याद आया कि क्यों ना मैं भी उन्हीं से मिलूं और मुझे भी कृष्ण का दर्शन हो जाए। और वो हरिद्वार छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान करती हैं, वृंदावन में पहुंचती हैं। और वृंदावन में बिल मंगल जैसे ही वो भगवान के यहां से प्रसाद आया था दोने में उनके लिए, जैसे ही वो भोजन पहुंचा उसी समय चिंतामणि पहुंची। तो चिंतामणि का स्वागत कैसे किया? जैसे लाइक गुरु, यही है वो गुरु जिन्होंने मुझे पहली बार ये सिखाया था कि तुम्हें हाड़मास के पुतले से नहीं, तुम्हें उस सच्चिदानंद से प्रेम, परम पिता परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। उस परम पिता से प्रेम करके जो आज मुझे मिल रहा है इस राह पर ले जाने वाली यही मेरी गुरु है। खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे गुरु का स्वागत करते। जब भी गुरु आए खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। आजकल के लोगों के लिए बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो वैसे अच्छे हो ही, आप लोगों की वजह से कोई और सुन ले, मैं उनको सुना रहा हूं। कुछ निठल्ले लोग ऐसे बैठे रहेंगा जैसे समझो बोरी धरी है वहां उठेगी ना। तो जड़ आदमी को कोई बोरी बोरी समझ गए, सामान की बोरी, अब उसको अपने आप उठ सकती है? उसे दो तीन लोग धक्का मारने वाले चाहिए, लाने ले जाने वाले चाहिए, तब जाके कुछ होता है। लेकिन वो जड़ ही हैं जो संतों का सम्मान करना नहीं जानते, वो जड़ ही हैं जो अपने गुरु का सम्मान करना नहीं जानते, वो जड़ ही हैं। लेकिन आप सब तो अच्छे, भगवान आपकी अच्छाई बरकरार रखे, बनाए रखे। चिंतामणि का स्वागत करने के लिए वो खड़े हो गए, और आज चिंतामणि को देखकर आंसू बह रहे। ये आंसू प्रेम के नहीं, श्रद्धा के, सम्मान के आंसू। और आज वो भी रो रही है, क्यों? चाहे जैसा भी था अब तो कृष्ण का है, इतना प्रेम उमड़ा, वो भी रो रही है। अब दोनों एक दूसरे की साधना के विषय में पूछने लगे, अब बताइए आपकी साधना कैसी चल रही है ऐसी? तो बोले ये आप प्रसाद लीजिए ना। बोले क्या ये प्रसाद? बोले ये कृष्ण के यहां से आया, आप लीजिए। चिंतामणि रोने लगी, ये प्रसाद तो तुम्हारे लिए आया है, मैं कैसे ले सकती हूं, मैं नहीं लू। बोले नहीं, कृष्ण के यहां से आया तो मेरा तुम्हारा क्यों करती है, लो ना। बोले नहीं लू, मैं प्रसाद तब तक नहीं लूंगी जैसे तुम्हारे लिए कृष्ण के यहां से आता है, वैसे मेरे लिए जब तक नहीं आएगा मैं नहीं लूंगी। साहब दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, किसी ने प्रसाद छुआ ही नहीं, रखा है
बिलमंगल भी कह रहे मेरे गुरु का भी कल्याण करो सरकार। अंधेरा होने से थोड़ी देर पहले हमारे सरकार जीवन के अंधेरे को मिटाने वाले सर्वेश्वर श्री कृष्ण उस विल मंगल के लिए और उस चिंतामणि के लिए दो थाली सजा कर लाए और चिंतामणि को दिया, बोले लो ये तुम्हारे लिए है, तुम न उपदेश देती तो ऐसा भक्त मुझे प्राप्त ना होता, ये तुम्हारे उपदेश की वजह है जो मुझे आज ऐसा भक्त प्राप्त हुआ। और पुनः एक बार याद दिला दूं, ये दोनों का पास है, एक अवश्य एक वैश्यगामी, लेकिन आज दोनों को ही भगवत दर्शन हो रहा है, भगवान के हाथ से दिया हुआ प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ी बात है। यहां पुनः एक बात ये सच समझ में आनी चाहिए कि भगवान को तुम्हारे बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं है, आज से उनको लेना देना है। अगर तुम आज भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दो तो मेरे ठाकुर जी तुम्हें आज से ही स्वीकार कर लेंगे। बोलो राधे राधे। तो ऐसे भक्त और भगवान का विषय ये श्रीमद् भागवत। भक्ति कैसी हो, बोले पूर्ण समर्पित होकर। भागवत ज्ञान कितना हो, बोले इतना तो हो कि हम कृष्ण की कथा सुनने जा रहे हैं। वैराग्य, जब तक कथा सुने तब तक घर की याद ना आए। अंत में क्या होगा, बोले तत्क्षण उद्धार, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मात्र 7 दिन में। और मुंबई वालों को तो बहुत कुछ मिला ही है, पिछली बार भागवत ने आप लोगों ने मन से सुनी और पिछले 5 साल से अब 6ठी बार भागवत श्रवण कर रहे हैं। अब किसी को मिलने में देर हो जाए तो बोले कि उतनी परफेक्ट नहीं हो सुनने में जितना होना चाहिए। किसी को नहीं मिलता मतलब तुमने नियम के साथ नहीं सुना होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया होगा। मैं तो यहां पिछली बार भी आया था तो काफी लोगों ने हाथ उठाकर बताया कि हमें बहुत कुछ मिला भागवत सुनने के बाद। किस किस को दिया है भागवत ने, और फिर भी निकम्मे लोग कहते हमें तो कुछ नहीं मिलता भागवत से। देखो कितने लोग हैं, जरा उठाना हाथ भैया, ये देखो किसने दिया, भागवत ने। ये सिर्फ भागवत ही दे सकती है, सिर्फ भागवत दे सकती है। मिलने में देर हो जाए तो कहीं गड़बड़ रही होगी तेरी थोड़ी बहुत, इसलिए थोड़ी देर में मिला। और जल्दी मिल जाए तो ठाकुर जी कृपा है, मिलता जरूर है ये निश्चित है। और भाई तुम्हारी तुम जानो, हमें तो खूब मिला। क्या मिला, बोले हमने पैसा मांगा नहीं इसलिए मिला नहीं। तो हमें क्या मिला, बोले हमने ठाकुर जी से एक ही चीज मांगी, बोले अपने श्रोता भेजता रहियो ठाकुर जी जो तुझसे प्रेम करते हो, ऐसे श्रोता भेजते रहियो जिनको हम खूब कथा सुनाते रहे। और यही मांगते भागवत से, और देखो मिले कि नहीं। लोग कहते मुंबई में सब बिजी है, अरे काय का बिजी है, सब फ्री लिख रहे तो देखो। और मैं तो कहता हूं भगवान करे दुनिया चाहे कितनी भी बिजी हो, लेकिन सच्चा बिजी वही है जो अपने ठाकुर के लिए हर तरीके से टाइम निकाल कर भगवान की कथा सुने, वो सच्चा श्रोता है मेरे प्यारे, वो अच्छा श्रोता है। और हमें तो मिले भैया, किसी को मिले न मिले हमें नहीं पता, हमें मिला, हम अपनी जानते। और इस भागवत महापुराण ने जो हमें दिया है, हम एक जन्म नहीं लाखों करोड़ों जन्म लेकर इनकी सेवा करें तो भी हम वो कर्ज से उऋण नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। ये सब भागवत की कृपा है, किसी को यकीन नहीं है तो हम क्या कर सकते, हमें तो है। तो मेरे प्यारे हो, सनकादिक ऋषि सौनकादिक ऋषि नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज के द्वारा जब ये पता चला कि भागवत श्रवण करने से क्या होता है, बोले भागवत श्रवण करने से जो जीव चाहता है वही प्राप्त होता है। दरिद्रश्य क्षय रोगी निर्भाग पाप कर्म बान अनपथ्यो मोक्ष कामाम श्रणो याच कथाम इमाम। दरिद्र व्यक्ति धनवान होता है, रोगी व्यक्ति निरोगी काया को प्राप्त होता है, न संतानवान व्यक्ति संतान को प्राप्त होता है, पापी व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए अनपथ्यो मोक्ष कामाम उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए,
नियम वही जो मैं आपको हर बार बताता हूं, उन्हीं नियमों के साथ सातों दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले जीव को वही प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। नियम वही, कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व आप आ जाएं, आरती हो जाए उसके बाद में आप जाएं, क्योंकि कई श्रोता हर जगह ऐसे भी मिल जाते हैं जो कभी भी मन करता है आते हैं, कभी भी मन करता है जाते हैं, लेकिन सच्चा श्रोता वो प्रथम आरती होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करे और आखिरी में जब आरती पुष्पांजलि हो जाए उसके बाद जाना प्रारंभ करे। कम से कम जिंदगी के 4-4.5 घंटे अपने ठाकुर के जीवन कथा श्रवण करने के लिए देने ही चाहिए। और आजकल तो वैसे ही बहुत शॉर्ट टाइम हो गया, अब तो कहाँ है, अब 2 टाइम कथा होती थी, अब एक ही टाइम पे भी पहले 5-6 घंटे होती थी, अब तो 3.5 घंटे भी नहीं रही, अब तो 3.25 घंटे ही हो गई, और आने वाले समय में और बिजी कर दिया तो वो 3 घंटे ही हो जाएगी, 3.25 पर 1। लेकिन तुम खुश नसीब हो जो तुम्हें 3.5-4.5 घंटे अभी मिल रहे हैं, इनका आनंद लो, इनको यूज करो। कथा सुनने से क्या होता है, वो प्रसंग भक्ति का आपको श्रवण कराया गया है, ये तो वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में क्या होती है, भक्ति आकर जवान होती है। क्यों होती है, बोले महाराष्ट्र में जो लोग है ये भगवान की पूजा में प्रेम में बहुत विश्वास रखते हैं। वैसे आज समाज को जो बांट दिया गया है ये गलत है, बांटना नहीं चाहिए, भगवान हम सबके हैं, कृष्ण हम सबके हैं, न सिर्फ भारत के, वो पूरे दुनिया के हैं, पूरे विश्व के हैं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में आकर भक्ति जवान है। उत्पन्नम द्रविणम देश वृद्धिम कर्नाटके गतः कचिन कचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णता गतः। महाराष्ट्र में आकर भक्ति जवान हो गई, और यही फल है कि हमारे यहां पर जो नौजवान कार्यकर्ता हैं या कोई भी यहां पर जो आयोजक लोग हैं, मैं इनकी मेहनत देखता हूं कि ये लोग किस तरीके से काम, घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर इस कथा का प्रचार करते हैं, और वो बड़े बदकिस्मत हैं जो ऐसे कार्य करने वाले लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर कहता हूं कि ये सही माने में धर्म प्रचारक है, और ऐसे धर्म प्रचारकों का सम्मान होना चाहिए। और वो बदकिस्मत है जो इनकी उपेक्षा करे, धर्म प्रचारक की उपेक्षा करे, धर्म प्रचारकों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे, कोई क्यों ना हो। तो महाराष्ट्र में भक्ति जवान है, और इतनी जवान है मुझे बताना नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध है वृंदावन में। क्यों वृद्ध है, बोले वहां वृंदावन कोई ज्ञान वैराग्य को पूछता नहीं, लेकिन उसी ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा जब श्रवण कराई गई तो ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। आत्मदेव की कथा, जिनके कोई पुत्र नहीं है, आत्मदेव, जैसा कि संसार का रूल है, नियम है, ये संसार वाले जब शादी कर लेते हैं तो इनको एक पुत्र तो चाहिए, इनकी इच्छा होती है चाहे एक हो जाए, न हो तो लोग ताने मारते हैं, फिर भी आत्मदेव को जब पुत्र नहीं तो साधु के पास उनका संत दर्शन हुआ। याद रखिएगा, हजारों बार मैंने आपको बोला है, जब भी जीवन में किसी चीज की कमी हो तुम्हारे में, और अगर वो भगवान तुम्हें देने के लिए तैयार ना हो, तो अपने गुरु के चरण पकड़ लो, किसी साधु के चरण पकड़ लो, और जब तुम गुरु की और साधु के चरण पकड़ लोगे तो संदेह मत करना, जो वस्तु तुम्हें भगवान ने नहीं दी है वो एक दिन गुरु जरूर दे देगा, संत जरूर दे देगा। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे, महाराज या अंधविश्वास फैला रहे हो, हाँ अंधविश्वास ही तो हो गया, जिस चीज को भगवान नहीं दे सकता उसको गुरु कैसे दे सकता है, एक साधु कैसे दे सकता है। महाराष्ट्र में तो एक कानून और बनने जा रहा है, अंधविश्वास बन रहा है ना कुछ ऐसा, अब पता नहीं, जल्दी जल्दी कथा सुन लो, जिस दिन लागू हो गया तो ये सब बंद करा देंगे लोग, जितनी सुनी जाए सुन लो,
कई बार तो मुझे ऐसा लगता है इस भारत में इस समय एक ऐसा माहौल आ गया है कि किसी भी तरीके से सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को बर्बाद कर दो, धर्म को मिटा दो। ये कौन डिसाइड करेगा कि अंधविश्वास है कि विश्वास है? कौन डिसाइड करेगा ये धर्म है कि अधर्म है? ये कौन डिसाइड करेगा? बोली है कहीं कोई पैमाने हैं क्या कहीं के? एक वकील साहब डिसाइड करेंगे कि धर्म है कि अधर्म है? जो खुद ही कहते हैं कि मैं तो कभी धर्म पर यकीन ही नहीं करता, जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी, वो जजमेंट देंगे? बोलो राधे राधे। जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। एक दो कार्यकर्ता चले जाएं यहां और आप आराम से बैठ जाएं। जोर से बोलिए आप। और कथा पर पूर्ण ध्यान दें। सभी बोलेंगे राधे राधे। ये कौन डिसाइड करेगा धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कौन है? बस घर में तो बड़े शेर बनते हो, इतने ही शेर हो, सभी बोलेंगे राधे राधे। आइए ध्यान दें। एक दो कार्यकर्ता अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो यहां जाकर उसको समापक जो भी है कर सकें तो वो सेवा करें, हाँ मदद करें, और बाकी के बैठ जाएं अपने स्थान पर। सभी राधे राधे बोलेंगे। मेरे प्यारे हो, तुमने तो मुझे भुला दिया, मैं कहां कथा कह रहा था हैं? अच्छा तुम इतने ध्यान से सुन रहा, वाह। मैं ये कह रहा था कि ये कौन बताएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है? इस चीज को जीव तभी समझ सकता है जब उसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो। और मैं किसी कानूनी कार्रवाई में अड़चन नहीं पैदा कर रहा हूं, जहां तक मेरा विश्वास है कि वो कानूनी किताब पढ़ने वाले चाहे वो जज हों चाहे वकील हों, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन वो लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि धर्म क्या और अधर्म क्या। इसके लिए प्रॉपर आपको सनातन धर्म के भागवत चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये काबिल होंगे समझने में कि धर्म क्या और अधर्म क्या, तब होंगे आप काबिल, उससे पहले नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हम लोग लाख कोशिश हम ये करते हैं कि हम ये ना समझें कि लोग हमारा दोहन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, लोग हमारा जो है हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार दिमाग में आती हैं सारी बातें टोटली अगेंस्ट ऑफ हिंदुइज्म, टोटली। और इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, गुनहगार वो लोग नहीं है, गुनहगार हम और आप हैं कि हम चुपचाप शहर हैं। वो गुनहगार कहां है? वो तो कर रहे हैं, गुनहगार तो हम हैं जो हम सह रहे हैं। लोग कहते महाराज जी आप इतना मत बोला करिए, आपका भी कोई भरोसा नहीं, न जाने वो क्या आरोप आप पर लगा दें। अरे तो मारेंगे तो सही यार, मरने से आगे कोई जगह है क्या? धर्म नहीं रहेगा तो हम जी के भी क्या करेंगे? अरे जब धर्म ही नहीं रहा तो जी के कौन से क्या करेंगे? भेलपूरी खाएंगे मुंबई में आके? खाओ तुम, बड़ा पाओ, बनो बड़े। मुझे तो नहीं बनना इतना बड़ा। जिसका जमीर जिंदा नहीं वो मरे, वो तो वैसे भी रोज मरते हैं डर डर के। जो जीव धर्म के बारे में ना सोचे वो इंसान है कहां? वो तो शैतान है। अपना पेट तो स्वान भी भर लेता है भैया। जीना उसका नाम है जो धर्म के लिए जिए, मरना भी उसी का नाम है जो धर्म के लिए मरे।
क्यों हमारे ऊपर आक्रमण करें? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते सब धर्म आराम से अपना काम करें, फिर क्यों हमारे अगेंस्ट सारे काम होते हैं? भजे, क्योंकि मेरे को दो चार मीडिया के लोगों से बात होती रहती है, तो वो बोलते हैं महाराज जी हिंदू धर्म एक ऐसा है जो बड़े चटकारे लेके सिर्फ कमियां देखता है, क्या चैनल पे फलाने जी के अगेंस्ट क्या दिखाया जाएगा, सिर्फ वो देखना है। डूब मरो चैनल पे देखने से पहले, समुद्र में गहरा पानी है, निकल के नहीं आएगा, मरने के बाद ही बाहर भेजता है, जा। जब राम नाम सत्य होगा ना, तब तुझे तेरे मरे पीछे पंडित ही बुलाने पड़ेंगे, तब भी धर्म ही चाहिएगा। तेरे घर में कोई बालक पैदा होगा ना, तब भी तुझे कोई ब्राह्मण ही बुलाना पड़ेगा, तब भी धर्म का ही सहारा लेना पड़ेगा तुझे। इस धर्म से चाहे मैं मानव योनि में रहूं या ना रहूं, लेकिन इससे मेरा नाता था, है और हमेशा रहेगा। सभी धर्मों के अनुयायियों को यह अध्याय हमारे सभी धर्मों की तरफ से कहा जाता है कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, लेकिन यह किसी को नहीं कहा जाता कि तुम दूसरे धर्म का दमन करो। लेकिन हम सहते हैं, इसलिए हमारा दमन ज्यादा होता है। किसी भी एक व्यक्ति के बुरे होने से धर्म बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा हो सकता है, औरों की बुराई तब देखना, पहले अपने गरेबान में झांक के देख, तुझे कसम लगे तेरे माँ बाप की, सच बता तुझ में कितनी बुराइयां हैं। तो तू अपनी बुराई खोज लेगा ना, तो हम जैसों की बुराई तुझे बहुत छोटी नजर आएंगी। अपनी बुराई देख, मीट तू खा लेता है, दूसरों के साथ बोल नहीं सकता हूं ऐसी ऐसी बातें जो तुम करते हो, लेकिन फिर भी हम जैसे नहीं, गलत है। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म कभी गलत नहीं होता, धर्म हमेशा अच्छा होता है। अंधविश्वास और विश्वास की बातें नहीं होती, ये तो वो लोग तार्किक लोग बातें पैदा करते, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ये अंधविश्वास है। क्या अंधविश्वास है? विश्वास किसको कहते हैं? लव इज ब्लाइंड, तुम ही कहते हो, तुम्हारी भाषा ही कहती है लव इज ब्लाइंड। तो अगर हम भगवान से प्यार करेंगे तो लव इज ब्लाइंड वो खलब हो जाएगा, दुनिया से प्रेम करें तो अंधा हो जाए, और भगवान से प्रेम करें तो पहले 5-20-25 साल पढ़ें कि प्रेम कैसे करें भगवान से। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो, मैं ठाकुर जी का हूं ठाकुर जी मेरे, जिस दिन ये समझ में आ जाए उसी दिन तू सच्चा प्रेमी है, उसी दिन तेरा परफेक्ट प्रेम शुरू हो गया। क्या मतलब है दुनिया के पीछे पढ़ने के? लेकिन संत महात्माओं के पास जाओगे तो भगवान उन्हीं की वाणी को सत्य करते हैं। क्यों? वो कहते हैं चाहे मैं तेरे कर्म अनुसार होकर तुझे न दूं, लेकिन जब कोई संत कह देता है या तेरे गुरु कह देते हैं, फिर मैं उस वाणी को झूठ नहीं करता, उनको फिर मैं तेरे को देता ही हूं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। संत के वचन झूठे नहीं होते, गुरु के वचन झूठे में होने नहीं देता। अब ये जितने भी गुरु हैं जितने भी साधु हैं, ये कोई भगवान है क्या? ये भी तो आप ही की तरह एक मां के पेट से पैदा हुए और निकल गए, फिर इनके आशीर्वाद क्यों लगने लग गए आपको? क्यों जाते हो आप इनके पास, बोले बाबा जी आशीर्वाद दे दो? बाबा जी ने कोई फैक्ट्री खोली हुई आशीर्वादों की? फैक्ट्री वैक्ट्री लग रही है क्या वहां? कोई शॉप कोई मॉल क्या है? आशीर्वाद ले जाओ, 500 रुपया किलो मिलेगा आशीर्वाद लेना, कमाल। इसलिए देते हैं, क्यों? बोलिए बोल देते हैं तो ठाकुर जी पूरा कर देते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, वो दे तलवा देता है। ये तो कह के अलग पड़ते हैं, करना तो उसी को है, लेकिन वो तब नहीं डाल सकता जब कोई विश्वास के साथ अपने गुरु के पास जाता है, संत के पास जाता है, तो भगवान को भी दया आ जाती है, बोल चल तेरे भाग्य में नहीं, साधु ने कह दिया मिलेगा, देता तो वही है, उनके पास कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है ऐसा। वहां तुम देव के कोई पुत्र नहीं था, मन इच्छा हुई पुत्र हो तो गए, साधु ने कहा ठीक है ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, ये प्रतिक्रिया आपने बार बार कथा में सुनी है, उपक्रम है, इसलिए ज्यादा लंबा समय इस पे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ और नया सुनाऊं। दो पुत्र, एक गौकर्ण एक धुंधकारी, एक संत की कृपा से एक कुसंग से। निवेदन आप सभी से, सबसे प्रार्थना, जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके कुसंग को टालो।
कुसंग आपको शैतान बना देता है और सत्संग आपको भगवान बना देता है। सत्संग आपको डेवलप करता है। आप बिल्डिंग डेवलप करते हैं ना, पिलर होते हैं, लेंटर होता है, फिर घर के रूम को हम लोग अलग अलग तरीके से सजाते हैं, ये डेवलपमेंट है कि नहीं? वैसे ही ये भागवत आपकी भक्ति को डेवलप करती है। यहां प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये सब तैयार किए जाते हैं। और जिस दिन ये घर बन के रहने बन जाता है पूरा, श्रद्धा विश्वास समर्पण का, भक्ति का, समर्पण का, जब ये पूरा घर बन जाता है तब इसमें कौन आकर रहते हैं? श्री कृष्ण आकर रहते हैं। कौन आकर रहते हैं? श्री कृष्ण। और जिस घर में कृष्ण रहते हो वो घर कैसा होगा? जवाब दो, कैसा होगा? जिनके घर में शैतान रहते हैं, ये तन ही तो घर है, इसमें कई शैतान बैठे हैं। जो किसी का भला ना कर सके, जो धर्म की आलोचना करता हो, उसमें शैतान रहता है। और ऐसे शैतानों के बीच में वो ये घर जो है वो बड़ा डेंजरस है, ये इसको समझना चाहिए। तब जेल। बुरे लोग कहां रहते हैं? जवाब दीजिए, जेल में। तो ये जेल बन जाता है। कब? जब तुम्हारे विचार गलत हो जाए, तुम्हारा कर्म गलत हो जाए, तो ये तुम्हारा घर जेल बन गया। और जब तुम्हारा समर्पण, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा से पूर्ण डेवलपमेंट इस हाउस को मिल जाए, तब जब ठाकुर जी देखते हैं घर बहुत अच्छा है, तो उसमें वो तुझे नहीं रहने देते, फिर उसमें किसी दुनिया वाले को नहीं रहने देते, फिर किसको? बोले खुद आकर बैठ जाते हैं उसमें, खुद आकर विराजमान हो जाते हैं और तेरे घर को मोस्ट ब्यूटीफुल 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 बना देते हैं। और तब इतना सुंदर बन जाता है तेरा ये घर कि जिस तेरे घर के आगे से जो जो निकलते हैं ना, उस जगह पर वो वहां से तेरी कृपा प्राप्त करके जाते हैं। ये संत महात्मा कौन है? इन्होंने अपने मन को, अपने तन को ब्यूटीफुल ठाकुर जी का हाउस बना रखा है। इसीलिए आप जैसे लोग उनका दर्शन करने जाते रहते हैं, उनसे दुआएं मांगते रहते हैं, उनसे आशीर्वाद मिलता रहता है, और आपको छोटा 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 कुछ न कुछ, कुछ न कुछ हल्का हल्का मिलता रहता है। तो बताओ, घर बनाना है शैतानों के लिए जेल बनानी है कि भगवान के लिए घर बनाना है? जोर से बोलिए, घर बनाना है। तो ये भागवत ही घर बनवा सकती है। कुसंग में पड़ोगे तो जेल बन जाएगा तुम्हारा पूरा जीवन, और अगर भागवत श्रवण करोगे तो सुंदर मंदिर बन जाएगा तेरा। मेरे मन में मंदिर बना दो मेरे श्याम, दर्शन करूं मैं तेरा सुबह, पग घुंघरू बांध दर राधे के, पग घुंघरू बांध दर राधे के, मेरा नचने दाची करता, मैं तेरे चरणों का सेवक राधे, तेरे मेरे बीच में की करता, मैं तेरे चरणों का सेवक राधे, तेरे मेरे बीच में की परदा, पग घुंघरू बांध नचने का जी करदा, मैं तेरे चरणों का सेवक राधे, तेरे मेरे बीच में की मरदा, मैं तेरे चरणों का सेवक राधे, तेरे मेरे बीच में की मरदा, पग घुंघरु बांध, पग घुंघरु बांध, पग घुंघरु बांध, पग घुंघरु बांध। बता रहा हूं, नचने का जी करदा। कब? जब मेरा मन मंदिर बन जाए तब। अभी तो लोग देखना 31st वाले दिन पूरे मुंबई के होटल बिजी होंगे, होंगे कि नहीं बोलो? लेकिन कोई हमसे पूछे क्या हमारा पंडाल खाली होगा? अरे चलाट, जितना होटल में जाने वाले लोग हैं उससे ज्यादा मेरे ठाकुर को चाहने वाले लोग मौजूद हैं। होटल में जाने वालों के लिए तो शर्त है कि उसकी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। सर, हमारे यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं है। हमारे ठाकुर के दरबार में तो एक ही शर्त है, तेरा तन धनवान नहीं, तेरा मन धनवान होना चाहिए। तेरा मन धनवान, क्या बोलना पड़ेगा?
मुंबई वाले अच्छा टाइम लेते हैं कथा का वैसे। 31st विद श्री कृष्ण, मेरे कृष्ण के साथ। तो मेरे प्यारे हो, ये कुसंग जीव को बिगाड़ देता। आपके जितने भी विचार दूषित हुए ना आज तक, या इन विचारों को लेकर पैदा नहीं हुए थे, फलाना मिला था मेरे को, वो ऐसे कह रहा था, उसने कहा तेरे विचार गलत हो गए। इट मींस कहां से हो गए, तुम्हें संग गलत मिल गया, कुसंग मिल गया। और यहां जो लोग कथा सुनने आए हैं, बोले फलाना मिला था पिछले साल, उसने कहा था कि ठाकुर जी की कथा में जरूर जाना चाहिए, बड़ा मन लगता है, बस पिछले साल से प्रण कर लिया, इन डेटों को कहीं जाना नहीं है, मुंबई में बस ठाकुर जी की कथा सुननी है, बस। वो सत्संग मिल गया, और पिछले साल ही आपने प्रण कर लिया कि अगले साल भी हम कथा छोड़ेंगे नहीं, हां या ना। एक ने तुम्हें पापी बना दिया और एक ने तुम्हें धर्मात्मा बना दिया। ये तो रियल तेरी लाइफ का ही प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ये मैं कहीं पड़ोस में से भागवत में पढ़ के थोड़ी आया हूं, ये तो तेरी जिंदगी का हसर है जो तुझे बता रहा हूं। एक तेरे घर में पापी है जो कहता है संतों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और एक घर में तू ही है जो कहता है एकाध कोई गलत हुआ तो क्या, धर्म तो हमारा सत्य है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छा है, सत्य पर चलने की राह बताता है। जो लोग बहानेबाज है ना, ड्रामेबाज, नौटंकी कहीं की, उनको बताता हूं, अगर तुम मेरे धर्म में बहाना ढूंढते हो ना कि अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तुम किसी महात्मा से मत मिलो, जो भागवत हो तो सुनो और चुपचाप घर जाओ। भागवत में तो कुछ नहीं हो रहा, ये सुन ले, घर जा, न समिति वालों से मिलियो, न कमेटी वालों से मिलियो, न गुरुजी से मिलियो, चुपचाप घर जा। ये अब कह कहां गया तेरा धर्म, सही मायने बताऊं, ये पापी है, इसके इतने पाप हैं, इतने पाप हैं कि अच्छा कभी कर ही नहीं सकता, अच्छा न करना पड़े इसके लिए बहाने बनाता है। वरना टीवी चैनल तो इन लोगों ने भी देखे होंगे जो कथा पंडाल में बैठे हैं, ये क्यों आ गए यहां, ये क्यों आए भाई, ये आंखों से नहीं देखते, कानों से देखते हैं, ये कानों से नहीं सुनते, जुबान से सुनते हैं, ये आ गए, तू नहीं आया क्यों, बोले तू बड़ा पापी है इसलिए नहीं आया। भाई इनके छोटे छोटे थे तो कभी सुन सुना के खत्म हो गई बात, आ गए। मेरे प्यारे हो, धर्म के लिए अगर अपने प्राण देने पड़े तो देना, रुकना मत, क्योंकि तेरे एक प्राण देने से तमाम आत्माएं पवित्र हो सकती आने वाले टाइम में, तमाम आत्माएं पवित्र हो सकती है, इसलिए घबराना मत, डरना मत। कौरवों की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, विजय पांडवों की होगी, कल बताऊंगा। और इसलिए पांडवों के पदचिन्हों पर चलने के लिए तुम्हें भागवत का अनुकरण श्रवण करना ही पड़ेगा। तो मेरे बंधु बांधव, धुंधकारी पापी, इसकी कथा आपने कई बार सुनी है, मरने के बाद में ये प्रेत बन गया, और जब प्रेत बना तो श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी महाराज ने इनको श्रवण कराई, और जब गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा इनको श्रवण कराई तो सातवें दिन आकाश से विमान आया, और जब आकाश से विमान आया तो अकेले धुंधकारी उसमें जाने को तैयार हैं, तो गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, कथा तो सबने सुनी है, विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों, बोले देखो भाई कथा सबने सुनी है लेकिन श्रवण करने में भेद है, किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना, किसी ने किसी इच्छा को लेकर सुना, भागवत कल्प वृक्ष है, जो जीव जिस भावना के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है उस जीव की वही भावना पूर्ण होती है। और धुंधकारी ने अपनी मोक्ष की इच्छा लेकर श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी को मोक्ष ही प्राप्त होगा, इसलिए इनका कल्याण होगा, क्योंकि इन्होंने कोई और भावना नहीं रखी, और कोई इच्छा नहीं रखी। हे मेरे प्यारे, धुंधकारी जैसे पापिष्ट व्यक्ति का कल्याण हो गया, हमारा भी कल्याण होगा, यही भागवत, यही पुनीत ग्रंथ, यही सुंदर ग्रंथ। जो धुंधकारी का कल्याण करता है वही पुनीत ग्रंथ आपका और मेरा भी कल्याण करेगा। मैं यहां पर
अच्छा एक बात बताओ, कभी आपसे मैंने कहा है कि आप मेरे फोटो का मेरे चित्र का पूजन किया करो? जवाब दीजिए, कभी भी? किसकी पूजा की बात करता हूं? जवाब दीजिए, उस पर मेरी बापौती है क्या? भगवान श्री कृष्ण पे मेरी बापौती है क्या? ये मेरा ही अकेले का, आपका नहीं है? जितना वो मेरा है उतना वो हम सबका है, आपका है। फर्क है कि मैं रिश्तेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ लोग रिश्तेदारी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और रिश्तेदारी तोड़ने वाले अच्छे नहीं होते, रिश्तेदारी निभाने वाले अच्छे होते हैं। इसलिए आप अच्छे बनिए, उससे रिश्ता निभाने की कोशिश करिए, उसे अपनाने की कोशिश करिए, उसे स्वीकार करने की कोशिश करिए। और मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप खुद कहिए इसलिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहिए। ये जिम्मेदारी हम सब की है। अगर साहब मेरे घर में आग लग जाए तो सिर्फ घर के एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि सामान सारा वो ही बाहर करे, उसमें तो पड़ोसी भी हेल्प कर देते हैं कि तेरे घर में आग लगी, चल हम तेरा सामान बचवाते, जितना बच जाए। हाँ या ना? और यहाँ सनातन धर्म में जब प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ तो ऐसे धर्मात्मा बैठे हैं जो खुल खड़े हो गए, तमाशा देख रहे हैं, हाथ में डाल गए, देखा, देख रहे हो? मुझे भरत जी की बात याद आ रही है, कितनी बड़ी बात कही थी भरत जी ने। बरमांगत मन, ये बात तब की है जब केकई से भरत मिले राम वनवास के बाद पहली बार। ध्यान से सुनना, हमारे और आपके मतलब की हो सकती है। बरमांगत मन भई नहीं पीला, जरी न जीव मुख परे उन कीला, हित राम ते तो ही हो तू अहिस सत्य कह मोहे। भरत जी कहते हैं राम जी को वरदान मांगते हुए तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, तेरी जुबान कटी नहीं, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। जो राम पशुओं को प्रिय है, जो राम पक्षियों को प्रिय है, जो राम जलचर थलचर गगनचर नवचर इन सब को प्रिय है, वही राम तुझे शत्रु नजर आते हैं। तू सही माने में कौन है, क्या है, मुझे बता तो सही, तू इंसान ही है ना? आज का तेरा ये कुकृत सुनने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू कौन है। अब आप कह रहे होंगे ये बात यहां कहां लागू होती है? होती है। जब तुम धर्म की निंदा सुनते हो तो तुम्हारे कान बहरे क्यों नहीं हुए? जब तुम्हारी वाणी धर्म के अगेंस्ट बोलने को तैयार हुई उस समय तुम्हारी वाणी कट क्यों नहीं गई? जिभ्या कट क्यों नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों नहीं हो गई, समाप्त क्यों नहीं हो गई? तुम्हारे दिल में पीड़ा नहीं हुई कि मैं अपने धर्म के इस वृक्ष को अपने हाथों से काटने की कोशिश कर रहा हूं, अपने हाथों से, जिस वृक्ष को हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी मेहनत बड़ी तपस्या बड़ी आराधना के साथ इसको लगाया है। लगाया इसलिए था कि आने वाली पीढ़ी का कल्याण होगा, और मैं उसी वृक्ष को अपने हाथों से काट रहा हूं, उसी वृक्ष को जिस वृक्ष की छाओं में आने वाली कई पीढ़ियां आनंद से गुजार सकती है समय, उसी वृक्ष को काटने पे लगे हुए को तू ऐसे सत्य कहेंगे? कौन हो तुम? Who are you? क्या तुमने अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? जो धर्म का सगा नहीं हो सकता मेरे प्यारे, वो किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं, न माँ का, न बाप का, न बेटे का, न बेटी का, न बहन का, न भाई का, न समाज का, न सोसाइटी का, न व्यापारियों का, किसी का नहीं, वो किसी का सगा नहीं हो सकता। अरे साहब, जो परमात्मा का सगा नहीं हुआ तेरा क्या खाक होगा? जो अपनी आत्मा का सगा नहीं हुआ वो क्या तेरा खाक सगा होगा? मेरी बात पर
बुरा मत मानना, मेरा लक्ष्य किसी को पर्सनल सुनाना नहीं है, हम पर्सनल नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल कमेंट्स, ये तो हम सबके लिए, हिंदू धर्म के लिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कृष्ण जितना मेरा है उतना हम सबका है, भागवत जितनी मेरी है उतनी आप सबकी है। ऐसे उत्सवों से तमाम नौजवान हरित होते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो कृष्णमय होकर अपने जीवन को सुंदर बनाने की तैयारी करते हैं। ये भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जीव को कृष्ण की तरफ मोड़ता है, लाता है, और तुम उसमें बाधा पहुंचाओगे ऐसा मत करो। निवेदन है मेरा आप सबसे, के बाद में मुंबई वालों को नहीं कह रहा हूं, मुंबई के बाहर जा रही है ना जो लोग चैनल ज्यादा देखते हैं उनके बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी है मेरे प्यारे, हम सबकी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भागवत कैसे श्रवण करनी चाहिए, धुंधकारी का कल्याण हो गया, आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा भागवत से, जो भी चाहिए आपको वही मिलेगा। शर्त क्या है, बोले पूरे नियम के साथ कथा श्रवण करें, सातों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात दिन कड़वा ना बोलें, जिससे किसी को मन से वचन से वाणी से किसी को कष्ट ना हो, और कम आहार करें, भोजन हल्का करें जिससे कथा में आपको आलस्य ना आए, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें, अगर संभव ना हो तो कोई अच्छा गर्म स्वच्छ पवित्र वस्त्र बिछा लें जिससे आपकी पवित्रता बनी रहे। कथा प्रारंभ हो उससे पूर्वा में कथा पूरी हो जाए, पुष्पांजलि हो जाए, उसके बाद जाएं। अगर आप इन नियमों के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ठाकुर जी आपको वो जरूर देंगे जो आप मांगोगे, जो आप चाहोगे, जो आप कामना करोगे, इच्छा रखोगे, मेरे ठाकुर जी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, अवश्य। ये एक बात याद रखना, आप बहुत अच्छे हैं, किस्मत वाले हैं कि पहले दिन से आप कथा सुन रहे हैं, वो भी पहले क्षण से, पहली सेकंड से, वो किस्मत वाले लोग हैं। प्रॉब्लम आएंगी, काम भी होंगे, लेकिन उन कामों को अवॉइड करना थोड़ा सा, काम तो तब तक आएंगे जब तक आखिरी सांस रहेगी, लेकिन घनश्याम बार बार आने वाले नहीं हैं, कृष्ण बार बार आने वाले नहीं हैं, और कृष्ण जीवन में जब आते हैं करुणा करते हैं, कृपा वर्षाते हैं, अमृत वर्षण होता है, और जब अमृत वर्षण हो, एक बात, एक व्यक्ति बड़ा अगेंस्ट रहता था परमात्मा के, बहुत वो कहता था भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, मैं क्यों मानूं भगवान को कि वो भगवान है। अरे भगवान है तो जब सबकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा है तो मेरी में भी कुछ लिख देता। एक साधु बोले बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ने तो किसी की किस्मत में बुरा नहीं लिखा, हम अपने कर्म से ही भला बुरा पाप प्राप्त करते हैं, तो इसमें तुम क्यों। बोले नहीं मेरी किस्मत बहुत बुरी लिखी है भगवान ने। क्यों कह रहे हो तुम इस बात को। बोले मैं नहीं मानता, भगवान सबको देता है सिर्फ मुझे ही नहीं देता। भगवान के दूत है साधु, संत ने कहा ठीक है एक काम कर, जब बारिश हो ना तो एक पात्र ऊपर छत पे रख देना, तो देखना सबके पात्र भरेंगे तो तेरा भी पात्र भर जाएगा। बोले ठीक है। अब वो गया, बारिश होने लगी तो सबके छतों में जो बर्तन थे आंगन में जो थे वो सब में पानी भर गया, लेकिन इसने जो पात्र रखा था उसमें पानी नहीं भरा। देखो बाबा, देखो बाबा, देखो बाबा, देखो बाबा, सबके पात्रों में पानी है, मेरे पात्र में नहीं, करता है ना भगवान मेरे साथ धोखा। अरे यार, बाबा बोले वाकई ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, सबके पात्रों में पानी होगा और तेरे में नहीं होगा बारिश के। बोले बाबा जी मजाक नहीं करो, देखो नहीं है, सबके पात्र में पानी है, मेरे पात्र में पानी नहीं है, ये भगवान मेरे साथ धोखा करता है, सब जैसा व्यवहार मुझे सबसे अलग ट्रीट करता है। साधु बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं तूने पाप ज्यादा किया हो। बोले साहब हो सकता है पर भगवान मेरे को वैसा नहीं मानता। अच्छा भगवान बोल, साधु बोले बता तेरा पात्र कहाँ है। बोले छत पे रखा है आपको दिखाने के लिए, चलो आओ 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 देखो, एक बूंद पानी, एक बूंद नहीं, आओ। बोले अच्छा चल चलते हैं, देखते हैं। और बाबा जब गए छत पे, और बाबा सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है, सबके पात्रों में जल है, इसके पात्र में नहीं, और जैसे ही देखो बाबा ये रहा,
पात्र देखा, और जैसे ही पात्र देखा बाबा ने सर पकड़ लिया अपना, अरे बुद्धिहीन मेरे ठाकुर को दोष दे रहा है। बोले क्या हुआ? बोले जो पात्र इसने रखा हुआ था ना वो उल्टा रखा हुआ है, मुंह पर होना चाहिए उसने मुंह नीचे दबा रखा, उल्टा लटका दे, ले भर दे इसको, अब कैसे भरा जाएगा, भरेगा? तो कुछ मूर्ख ऐसे हैं कि अपने पात्र को उल्टा लटका के रखते हैं, उल्टा रख के रखे हुए हैं, और सोचते हैं भगवान हम पे कृपा नहीं करते, भगवान हम पे कृपा नहीं करते। अरे भगवान कृपा तब करें जब तेरे पात्र का मुंह सीधा हो, और जब तेरे पात्र का मुख सीधा होगा तो मेरा ठाकुर जी जितना सबको देता है उतना तुझे भी देगा, देगा। उल्टा नहीं रखा तो देगा, और सीधा रखा तो मिलेगा, और उल्टा रख दिया तो सब जगह बारिश होगी पर तेरे घर में नहीं आएगा पानी, याद रख। इसलिए मेरे प्यारे ठाकुर जी की ये भागवत कथा तो अमृत की वर्षा करती है, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे पात्र में नहीं आया तो डेफिनेट ये बात कंफर्म है कि तुम्हारा पात्र उल्टा रखा होगा, वरना यहाँ तो सबके लिए लुटाया गया। यहाँ जाति बंधन नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष बंधन नहीं है, यहाँ एक ही बंधन है, वो है मेरे कृष्ण के साथ प्रेम का बंधन, सिर्फ प्रेम का बंधन। तैयार हैं? चाहिए? किस किस को चाहिए? रेडी है सर? तो आप सबसे निवेदन, जो अभी तक मुंबई में टीवी ऑन करके बैठे, पात्र औंधा रखा है सीधा कर लो, उल्टे मत रखो पात्र को, पात्र को जरा सीधा करो, फिर क्या होगा? मिलेगा सांवरिया, क्या होगा? मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, मिलेगा सांवरिया, मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल शादी शुदा है, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जल्दी बैठो, तुम सब अनमैरिड हो ना भाई, दोनों हाथ ऊपर करो और मस्ती में झूम के बता दो कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम नहीं, कथा सुनना जवानी का काम है। जिनकी जवानी सुधर जाती है उनका बुढ़ापा सुधर जाता है, और जिनकी जवानी बिगड़ गई हो उनके बुढ़ापे में तो भैया पतो ही ना लट पड़े बस। हरी बोल। पतंग कट गई, गाँव के रहने दो, कल गा लेंगे,
मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया रे, मुरली वाला लुट ले गया। ओ मेरे दिल की, ओ मेरे मेरे दिल की, मेरे दिल की पतंग कट गई, के मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, के मुरली वाला लुट ले गया। ए जवानों ध्यान से सुनना, ये दिल जो जाता है ना अधिकांश जवानी में जाता है, और ये अगर दुनिया वाले लूट के ले जाए ना दिल को, तो दिल बर्बाद हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। और ये अगर दिल कन्हैया ले ले जवानी में ही, तो आबाद होते हो के बर्बाद। जोर से बोलो, बचपन कली है जवानी खिला हुआ पुष्प, और बुढ़ापा है बेकार रिजेक्टेड। अब बताओ कौन सा फूल चढ़ाओगे भगवान को? जोर से बोलिए, खिला हुआ सिखा दो जरा दुनिया वालों को, बता दो। मेरे दिल की पतंग कट गई, ये मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया, ओ के मुरली वाला लुट ले गया, के मुरली वाला लुट ले गया, मुरली वाला लुट ले गया, मेरे दिल की पतंग कट गई, मुरली वाला लुट ले गया। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथावाचक और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की अमृत वाणी से मन के विकार दूर होते हैं, चित्त शांत होता है और जीवन को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे महामनीषी द्वारा अपने क्षेत्र में भी विश्व शांति के लिए महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा का आयोजन करा जन कल्याण और विश्व शांति हेतु लिए गए महाराष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाएं और पुण्य के भागी बने। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर, समिति मेंबर, कार्यकारिणी मेंबर बनने व प्रिया कांत जो मंदिर में सहयोग करने हेतु संपर्क करें। शांति सेवा धाम छठी करा वृंदावन रोड मथुरा उत्तर प्रदेश, फोन नंबर 07351112221, 07351113331, 07351114441। वेबसाइट www.shantisevadham.com एवं www.vsscity.com, ईमेल info@shantisevadham.com, info@vsscity.com। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बनने, मासिक पत्रिका प्राप्त करने तथा महाराष्ट्र के कथा एवं भजनों की ऑडियो और वीडियो सीडी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें।